हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम फिर मैराथन क्लास लेके आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम बहुत तेजी से आने वाले दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जेल वार्डन का लगा हुआ है दोस्तों, इसके बाद यूपीएसआई का होगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि आज हम हिंदी की मैराथन क्लास यानी 9वीं क्लास है मैराथन क्लास दोस्तों। इससे पहले हमने जैसा कि वर्णमाला हो गया, समास हो गया, छंद हो गया और रस हो गया, अलंकार हो गया, इन सबको हमने एक ही वीडियो में मतलब एक एक वीडियो में सब में पढ़ा रखा दोस्तों मैराथन। और अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी दोस्तों, तो आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, या फिर आप हमारे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, हिंदी मैराथन क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों। वहां पर हर प्रकार की वीडियो हिंदी की दोस्तों उसकी मैराथन क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम पूरी वीडियो एक ही वीडियो में खत्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों, विशेषण के बारे में दोस्तों। ठीक, देखिए किस चीज के बारे में देखेंगे, विशेषण के बारे में इसी में देखेंगे दोस्तों, विशेष के बारे में देखेंगे दोस्तों, और इसके अलावा जो आपका प्राविशेषण होता है दोस्तों उसके बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इससे संबंधित 50 क्वेश्चन दोस्तों, 50+ क्वेश्चन जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे होंगे, खास करके दोस्तों यूपी पुलिस और यूपीएसआई के एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सभी चीजें हम इसमें संग्रह करने वाले दोस्तों। और इनकी हम अवस्थाओं का भी देखेंगे दोस्तों कि कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो सभी चीजें हम देखने वाले दोस्तों। एक बार बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम विशेषण के बारे में देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं विशेषण है क्या दोस्तों। ठीक है, विशेषण क्या है दोस्तों, विकारी शब्द है दोस्तों। ठीक है, क्या है, विकारी शब्द है दोस्तों। ठीक है, विकारी शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है। विकारी शब्द कितने होते हैं, चार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार विकारी शब्द है दोस्तों। इससे पहले हमने तीनों के बारे में मैराथन क्लास बना दी है, संज्ञा के बारे में बनाया था, सर्वनाम के बारे में बनाया था, क्रिया के बारे में अभी कल ही हमने बनाया दोस्तों, आज विशेषण की बारी है, इसके बारे में मैराथन क्लास हम देखने वाले दोस्तों। ठीक है, और एक चीज बता दें दोस्तों कि इन सब की विशेषता कोई ना कोई बतलाता है। देखिए चार क्या है हमारे, विकारी शब्द हैं, और चारों विकारी शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बतलाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण बतलाता है दोस्तों। वहीं पर क्रिया की विशेषता कौन बतलाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण, और जो विशेषण जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इसकी विशेषता कौन बतलाएगा, प्राविशेषण। तो आज हम विशेषण और प्राविशेषण दोनों के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम दोस्तों अपनी क्लास विशेषण। देखिए विशेषण होता क्या है दोस्तों, ठीक है, विशेषण क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे विशेषण की परिभाषा क्या होती है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं दोस्तों। मतलब जो चीज संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा दोस्तों, उसके बारे में उसके कुछ गुण गिनाएगा दोस्तों, उसे ही क्या बोलेंगे हम, विशेषण बोलेंगे दोस्तों। ठीक, और एक चीज याद रखेंगे, जो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाते हैं यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो विशेष बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रख लेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसे हम विशेषण बोलेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी दोस्तों वो क्या होगा, विशेष, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और संज्ञा सर्वनाम को हम फिर संज्ञा सर्वनाम ना कहकर हम उसे विशेष से कहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कहा गया काला घोड़ा। ठीक, काला घोड़ा, देखिए घोड़ा क्या है दोस्तों, यह है क्या, संज्ञा है, मगर हम ये यहां पर संज्ञा नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे विशेष दोस्तों। क्या बोलेंगे, विशेष। और देखिए जो घोड़ा है इसकी विशेषता क्या है, वो काला है दोस्तों। तो देखिए घोड़ा तो है मगर उसकी विशेषता क्या है दोस्तों, काला घोड़ा, तो काला क्या है दोस्तों, विशेषण हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए विशेषण क्या करता है, किसी चीज में कमी ला देता है दोस्तों, समझ में आई, कमी ला, जैसे कैसे कहा कि बहुत सारे घोड़े मैदान में हो दोस्तों, आप बोल रहे काला घोड़ा दौड़ रहा, तो दोस्तों आप क्या देखोगे, केवल और केवल आपकी निगाह काले घोड़ों पर जाएगी दोस्तों। ठीक, मान लिया 100 घोड़े हैं दोस्तों, 100 में से 10 काले हैं, तो कोई बोले देखिए काले घोड़े दौड़ रहे, तो आपको काले घोड़े पर आपकी नजर पड़ेगी, यानी वो किसी चीज को कम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, गोरा लड़का, अरे लड़का क्या है दोस्तों, आपका लड़का क्या है दोस्तों, संज्ञा है, और गोरा क्या है, लड़की विशेषता कैसी है, वो गोरा है दोस्तों, तो ये क्या होगा, विशेषण होगा दोस्तों। इसमें लड़का क्या होगा, ये विशेष होगा, क्योंकि हमने बोला था संज्ञा और सर्वनाम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं दोस्तों, और गोरा क्या होगा, विशेषण होगा। उसी प्रकार से बालक है, तो दुष्ट बालक, देखिए ऐसा नहीं कि हम विशेषण में केवल और केवल उसकी विशेषता ही बताएं दोस्तों, उसकी हीनता को भी हम विशेषण की कैटेगरी में रखते थे, दुष्ट बालक। तो बालक क्या दोस्तों, ये आपका क्या है, संज्ञा है दोस्तों, और संज्ञा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विशेष बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, और दुष्ट क्या है दोस्तों, ये इसकी विशेषता बतला रहा दुष्ट, तो ये क्या होगा, आपका विशेषण होगा। उसी तरह से पर्वतीय मैदान दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया था। देखिए मैदान तो है मगर मैदान क्या है, संज्ञा होगा दोस्तों, और मैदान की विशेषता क्या होगा, पर्वतीय है दोस्तों, तो ये क्या होगा, विशेषण। तो इसमें पूछेगा विशेषण कौन सा है, तो कौन सा विशेषण दोस्तों, पर्वतीय शब्द क्या है, विशेषण दोस्तों। और ये क्या है, ये सभी यहां तक हम देख रहे हैं, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि विशेषण चार भेद होते हैं, वो हम नीचे देखेंगे दोस्तों, मगर इसमें सब गुण की बात की जा रही है, उसके
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। जैसे 10 किलो आटा, देखिए आटा की विशेषता क्या है कि 10 किलो है दोस्तों, ठीक है, क्या है 10 किलो है दोस्तों, और ये आपका कौन सा है आप बात करेंगे तो ये परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, क्या है परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों, इसके बारे में हम गहराई से बात करेंगे, अभी दोस्तों हम केवल केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 11 खिलाड़ी, जैसे कह देगा एक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, तो खिलाड़ी तो दोस्तों क्या है संज्ञा है, मगर उसकी विशेषता क्या है कि 11 ये क्या है संख्या है, संख्यावाचक विशेषण, बिल्कुल सही, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हम विशेषण को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हमारे दिमाग में आता है दोस्तों कि विशेषण के प्रकार कितने होंगे, ठीक है, कितने प्रकार के होंगे विशेषण, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो कितने होंगे 4 प्रकार दोस्तों, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामी विशेषण। देखिए समझिए इनके बारे में, गुणवाचक में कहा किसी चीज के गुण या फिर अवगुण की, अवगुण का बोध करा, जैसे कह देगा कि अच्छा लड़का तो अच्छा क्या गुण है, बुरा लड़का वो भी तो गुण ही है, ठीक है। संख्यावाचक में संख्या पता है 1 2 3 4 चौथा 5वां है ना, दोगुना तिगुना या चारों पांचों, ये सब क्या है संख्या ही तो है दोस्तों, तो वो आ जाएगा संख्या, जहां बात की जाए संख्या की वो संख्यावाचक विशेषण आएगा। अब बात करते हैं परिमाणवाचक दोस्तों, परिमाण में क्या होता है दोस्तों, जिसका भार नियत हो, स्थित हो दोस्तों, यानी जिसे तौला या मापा जा सके, देखिए समझिए, जिसको मापा या तौला जाए दोस्तों वही क्या है परिमाण है। कोई चीज आप किलो के भाव ले लो दोस्तों या फिर मीटर के भाव ले लो, जैसे कहते हैं 10 मीटर कपड़ा, अब देखिए 10 तो आ रहा मगर वो संख्यावाचक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीटर कपड़ा लगा है दोस्तों, कपड़ा क्या होता है दोस्तों तौला या मापा जाता है दोस्तों, ठीक, तो इसीलिए कपड़ा क्या होगा आपका संख्यावाचक में ना करके परिमाणवाचक में आएगा, ठीक दोस्तों समझिएगा। इसमें थोड़ा सा भिन्नता, जैसे कहते हैं 10 लड़का 10 लड़के, तो 10 लड़के क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे संख्या यहाँ भी है और 10 मीटर कपड़ा कह देगा, 10 मीटर कपड़ा, तो दोनों में क्या भिन्नता होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए ये लड़के क्या है, लड़के तौले में अपने जाते दोस्तों, ये संख्या होती है, ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगा और 10 मीटर, देखिए संख्या यहाँ भी है मगर 10 मीटर कपड़ा ये तौला या मापा जाता है दोस्तों, कपड़ा क्या है वस्त्र है दोस्तों, तौला या मापा जाएगा, इसलिए परिमाणवाचक में आया दोस्तों, ठीक है। और सर्वनाम में क्या दोस्तों, वैसे सर्वनाम जो सर्वनाम तो होते हैं मगर उनकी विशेषता होता है, जैसे यह है कुत्ता अच्छा है, यह कुत्ता है दोस्तों, ठीक, ये कुत्ता है, तो देखिए कुत्ते की विशेषता क्या है कि ये क्या है कुत्ते की विशेषता बता रहा, ठीक है, कुत्ते की तरह इंगित कर रहा, तो ऐसे कहूंगे ये सर्वनामी विशेषण होते हैं, इनके भी 2 पार्ट हो जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में विधिवत देखने वाले दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम सीधा गुणवाचक विशेषण से दोस्तों, ठीक है, पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण दोस्तों, इसके बारे में क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो गुणवाचक विशेषण का होता है दोस्तों समझिएगा, देखिए जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, केवल गुण नहीं दोस्तों, गुण के साथ साथ गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा, रूप आदि का बोध होता है दोस्तों, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। किसी के गुण की बात कर ली जाए, किसी की अच्छाई की बात कर लिया, किसी के रंग की बात कर ली जाए, किसी की अवस्था क्या है, दशा क्या है, रूप क्या है, अगर इनके बारे में बात कर दी जाए दोस्तों तो वहां पे गुणवाचक विशेषण ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण की संख्या बहुत अधिक दोस्तों, इसके बारे में अगर हम भेद की बात करें बहुत सारे हैं दोस्तों, मगर इनके कुछ भेद जो हैं प्रचलित दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करने वाले दोस्तों। तो देखिए इनको हम मुख्यतः कुछ भेद हैं उनके बारे में बात करें, जैसे कालबोधक दोस्तों, ठीक है, कालबोधक हो गया, जैसे कालबोधक में क्या क्या आएगा दोस्तों, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्य, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ और ऐतिहासिक भी हो जाता है दोस्तों, क्या ऐतिहासिक, देखिए पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन क्या है दोस्तों, तो प्राचीन क्या है विशेषण, देखिए प्राचीन और मौसमी और ऐतिहासिक दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपके यूपी पुलिस में कई बार पूछेगा दोस्तों, ठीक, तो ये क्या है गुणवाचक विशेषण। देखिए ऐसा नहीं पूछता काल है कि कौन से हैं, कभी कभार पूछता मगर ज्यादातर आपसे पूछेगा कौन सा विशेषण, तो आपको गुणवाचक विशेषण बता देना दोस्तों, ठीक है, तो ऐतिहासिक, मौसमी और प्राचीन ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। दूसरा है जैसे स्थान बोधक, ये स्थान के बारे में बात कराएगा, भीतरी है ना, बाहरी, उजाड़, ऊपरी, सतही, पूर्वी, दाया, स्थानीय, देशी, असमी, बंगाली, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय दोस्तों, ठीक, तो इस तरह से स्थानवाचक होते हैं, स्थान का बोध ये कराते हैं दोस्तों, ठीक, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे चीजें क्या होंगी, स्थान, देखिए गुण तो ये भी है, जैसे अमेरिकी लड़का, अमेरिकी नागरिक, तो ये क्या है गुण ही तो है उसका, ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं आकार बोधक, अब देख सकते किसी चीज का आकार बता देगा कि नुकीली पेंसिल, ठीक, तो नुकीली क्या है दोस्तों, नुकीला क्या है उसकी विशेषता बता रहा, पेंसिल का विशेषता क्या है कि नुकीली है दोस्तों ना, तो वो चीजें किसमें आएंगी, आकार कैसा है, गोल है, चौकोर है ना, सुडौल है, समान है या फिर सुंदर है दोस्तों, नुकीली है दोस्तों, लंबा है, चौड़ा है, तिरछा है या फिर मोटा है, कुछ भी कह दिया दोस्तों, किसी चीज के आकार के बारे में बात कर दिया दोस्तों, वो क्या होगा
आपका आकार बोधक यानी गुण के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं पर अगर बात करते हैं रंग बोधक दोस्तों, तो रंग बोधक में कोई भी रंग आ जाए दोस्तों, जैसे कि लाल है, पीला है, हरा है, आसमानी है, नारंगी है, चमकीला है, धुंधला है, फीका है, ठीक है, तो ये चीज गोरा है, क्या ना गोरा लड़का, तो लड़के की विशेषता का गोरा रंग बोधक है। मगर रंग बोधक किसके अंतर्गत आता है आपको पता, ये भी याद रखना कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही रंग बोधक भी आता है दोस्तों, ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दशा बोधक आएगा दोस्तों, दशा बोधक में क्या होता है, उसकी दशा क्या है, दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, पिघला हुआ है, गाढ़ा है, गीला है, सूखा है, घना है, गरीब है, पालतू है, मतलब रोगी है, ठीक दोस्तों। तो ये क्या उसके दशा बोधक की बात कर रहा है दोस्तों, और ये भी किसके हैं, गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक होता है गुणबोधक, देखिए गुणवाचक के अंतर्गत भी गुणबोधक होता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखेंगे दोस्तों, जैसे अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, गुण है ना उसके अंदर, अच्छा है वो दानी है, उसके अंदर गुण है ना, न्यायी है वो न्याय करता है हमेशा, कृपालु है दोस्तों कृपा करता है, भला है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, सच्चा है, झूठा है, पापी है, दानी है, न्यायी है, दुष्ट है, सीधा है, शांत है, दोस्तों ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक, और गुणबोधक इसके अंतर्गत, ठीक, इसमें गुण और दोष दोनों आ जाएंगे, गुणबोधक के अंतर्गत गुण और दोष दोनों आ जाएंगे, जैसे झूठा क्या है, गुण थोड़ी ना उसका दोष है दोस्तों, मगर गुणबोधक के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, ये भी पूछे गए हैं दोस्तों, ये जो आपसे ब्लैक कलर का रखे दोस्तों, ये आपके यूपीएससी में पूछे गए कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु किस प्रकार के विशेषण दोस्तों, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण, तो आपको आंसर किसके करना था, गुणवाचक विशेषण दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया कब, 12/12/2017 यानी 12 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन। और दोस्तों ये शांत भी पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में कि शांत क्या है, विशेषण है कि नहीं है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आते थे, लेकिन वैसे कौन सा विशेषण दोस्तों, शांत क्या है, विशेषण है दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना दोस्तों। देखिए और चीज बता दोस्तों, स्थान बोधक हमने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में, ठीक, तो स्थान बोधक दोस्तों देखिए जैसे चीनी हो गया, मद्रासी हो गया, किसी देश या शहर के नाम के पीछे अगर हम उसको स्थान की तरह बना देते दोस्तों, ठीक है, जैसे चीन से चीनी बना दिया, मद्रास से मद्रासी, बिहार से बिहारी, रूस से रूसी, राजस्थान से राजस्थानी और भारत से भारतीय दोस्तों इस तरह बना दिया गया, तो ये कौन सा, ये स्थान का, किसी स्थान का पर्टिकुलर बोध करा दें दोस्तों। और एक चीज बता दें, ये तीनों चीजें पूछी गई थी आपके यूपीएसआई 14/12/2017 के पेपर में कि चीनी, मद्रासी, बिहारी किस प्रकार के गुणवाचक के, किस प्रकार के उदाहरण दोस्तों, तो स्थान बोधक गुणवाचक के उदाहरण है दोस्तों, ठीक, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम इस पे दे रहे हैं, आपको इनको रट लेना है या फिर आप इनके नोट्स बना ले दोस्तों, या फिर अगर आप नोट्स नहीं मांगते पीडीएफ दोस्तों, तो हम लास्ट बता देंगे किस प्रकार से आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछा था दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किया दोस्तों, जैसे देखिए पूछा गया था पर्वतीय में कौन सा विषय, कहाँ पे, वीडियो में, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 क्वेश्चन पूछा गया था, पर्वतीय में कौन सा विषय था, बताइएगा कौन सा विषय है, तो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, कौन सा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। वहीं पर मीठा अमरूद में कौन सा विशेषण, देखिए अमरूद मीठा है, पूछ लेगा मीठा में कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो मीठा क्या है दोस्तों, किसी चीज का गुण ही तो है ना, ये यूपी आरओ 2014 के एग्जाम में पूछा गया। वहीं पर सरीखा में कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो सरीखा में क्या है दोस्तों, गुणवाचक ही तो है दोस्तों, है ना, ये भी आपके यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है यह चांदी खोटी दिखती दोस्तों, तो खोटी में क्या है दोस्तों, ये विशेषण क्या है, खोटी है, चांदी विशेषता का खोटी है दोस्तों, और खोटी में कौन सा विशेषता, तो गुड़ ही तो है दोस्तों, उसका गुड़ है, चांदी का गुड़ कैसा है, खोटी है दोस्तों, ठीक है, तो यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा देखिए नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर विशेषण क्या है, नीली दोस्तों, और ये रंग बोधक है, और रंग बोधक इसके अंदर आता है गुणवाचक के दोस्तों, ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपके यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। गुणवाचक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे ये है दोस्तों, अभी हम देखिए जब पूरा सॉल्व कर लेंगे पेपर, उसके बाद हम 40-50 क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों, तो उसमें देखना किस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला देखते दोस्तों, गुणवाचक विशेषण हमने देख लिया, अब संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, क्या संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, जिसमें हमें संख्या का बोध होगा वो संख्यावाचक विशेषण के ही अंतर्गत आएगा दोस्तों। जैसे देखिए इसका एग्जाम वो कैसे होगा, डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो दोस्तों उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे दोस्तों। वेरी सिंपल है, जैसे कहा गया तीन लड़के, देखिए तीन लड़के, देखिए लड़के क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता को बता रहा तीन, तो ये क्या होगा, ये विशेषण हो गया, और कैसा विशेषण हो गया, संख्यावाचक दोस्तों, कैसा हो गया, संख्यावाचक। चारों भाई, अब भाई की विशेषता क्या है, चारों, तो क्या हो गया, संख्यावाचक। दस गुने लोग, तो क्या हो गया दोस्तों, संख्यावाचक, ठीक। चतुर्थ वर्ग, तो चतुर्थ क्या है, संख्या दोस्तों, संख्यावाचक। हर एक नेता, तो हर एक नेता क्या है दोस्तों, संख्यावाचक। दोगुना दूध, तो दोगुना दूध में दूध क्या, दोगुना क्या है दोस्तों, संख्यावाचक। तो इस प्रकार से हम संख्यावाचक विशेषण के भी उदाहरण देखेंगे दोस्तों। अब देखिए जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं दोस्तों, इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे, ठीक।
देखिए इसके जो है मुख्यतः दो भागों बांटते हैं या फिर मुख्यतः हम इसके पांच भाग बांट सकते हैं दोस्तों। देखिए मुख्यतः जब दो देखेंगे दोस्तों कौन कौन से जाएंगे, संख्यावाचक के एक निश्चित संख्यावाची होते हैं दोस्तों, एक अनिश्चित संख्यावाची दोस्तों। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची दोस्तों। उसमें भी हम जो निश्चित वाले होते हैं दोस्तों उसको हम पांच भागों में बांट देते हैं दोस्तों। कौन से? गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। देखिए दोस्तों गणना बोधक पहला, दूसरा आवृत्ति बोधक, तीसरा क्रम बोधक, चौथा समुदाय बोधक और पांचवा प्रत्येक बोधक दोस्तों। इसके बारे में पहले हम देखेंगे इनके बारे में दोस्तों, फिर उसके बाद अनिश्चित संख्यावाची के बारे में देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बहुत सारे पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक, तो हम हर एक के बारे में देखने वाले हैं विधिवत तरीके से दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या होगा दोस्तों? गणना बोधक। ठीक, गणना बोधक संख्यावाचक दोस्तों। देखिए गणना बोधक का दोस्तों ये हम देखेंगे। देखिए ये वस्तुओं की गणना का बोध करता है, मतलब गणना कैसे, आपने देखा होगा एक दो तीन चार इस तरह गणना करते हैं ना दोस्तों। तो गणना बोधक क्या होता है दोस्तों? ये वस्तुओं के गणना का बोध करवाता है दोस्तों। ठीक है, कोई चीज हम गिनते हैं वही क्या है गणना बोधक। और गणना बोधक के भी दो भेद होते हैं दोस्तों, गणना बोधक के भी दो भेद होते हैं दोस्तों। कौन सा? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। उसके पहले हम पहचान इसकी समझते हैं दोस्तों। जो गिनती की संख्या होती है जैसे एक, ठीक, दो, तीन, चार, इस तरह से दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं? गणना बोधक दोस्तों। ठीक, अब गणना बोधक दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। देखिए जो पूर्णांक में लिख दिया जाए दोस्तों एक दो तीन, ये सब क्या है? पूर्णांक होता है दोस्तों। अपूर्णांक होता है जो सही से ना लिख पाए दोस्तों, उनको हम बटे में लिखे वो अपूर्णांक। जैसे आपसे कह देगा सवा, तो 1/4, 1/3 है ना, 1/4, या फिर डेढ़, तो डेढ़ क्या है दोस्तों? पूर्णांक थोड़ी ना, ये अपूर्णांक दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम पूर्णांक में और अपूर्णांक में बांट देते हैं। अब चलिए देखते हैं पूर्णांक बोधक दोस्तों। पूर्णांक बोधक में क्या होता है दोस्तों? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरह से करते हुए ये हजार लाख इस तरह संख इस तरह से चला जाएगा दोस्तों, जिसमें एकदम संपूर्ण गिनती होगी, जिसको हम दोस्तों बटे में ना लिखे दोस्तों। क्या? जिसको हम बटे में ना लिखे दोस्तों, तो वही क्या होता है? पूर्णांक बोधक दोस्तों। पूर्णांक में लिख ले दोस्तों। ठीक, देखिए किस प्रकार से आते क्वेश्चन में। देखिए मैदान में चार बच्चे खेल रहे दोस्तों। अब देखिए पूछ लेगा इसमें कौन सा विशेषण दोस्तों, तो क्या है? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो गणना बोधक, गणना बोधक में कौन सा है? तो पूर्णांक बोधक। कैसे? देखिए चार बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे की विशेषता क्या है? चार। और चार क्या है हमारा? संख्यावाचक। और हम इसको चार कैसे इस तरह से पूर्णांक में लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक बोधक दोस्तों। अगला है स्कूल में 10 बच्चे अनुपस्थित दोस्तों, तो बच्चे की विशेषता क्या है? 10। तो 10 क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक बोधक हो गया। अब देखिए पिताजी ने 10,000 रुपए दिए दोस्तों, 10,000 रुपए दिए किसने? पिताजी ने। 10,000 दोस्तों क्या है? ये संख्या दोस्तों, और कैसा है? पूर्णांक में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया 10,000, लो ठीक है, 4 जीरो बना दिया। अब ये क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक बोधक। अब देखिए अब क्वेश्चन आपको देखिए किस प्रकार से पूछेगा यूपीएसआई में दोस्तों। देखिए एक लड़का स्कूल जा रहा है दोस्तों, तो इसमें यूपीएसआई 15/12/2017 का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो क्या है दोस्तों? पूर्णांक बोधक है। अगर ऐसे बात करते हैं संख्या बोधक में कौन सा? गणना बोधक है दोस्तों, गणनावाचक का पूर्णांक बोधक है दोस्तों ना। तो एक लड़का, लड़के विशेषता क्या है? एक है। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है। अब देखिए फिर यूपीएसआई में पूछा गया कि 25 रुपए दीजिए दोस्तों। 25 क्या है दोस्तों? एक दो तीन चार पांच, इस तरह पढ़ेंगे दोस्तों 25 रुपया गणना कर रहे हैं ना किसी चीज का, 25 रुपये हमें गिन के चाहिए दोस्तों। तो गिन के मतलब क्या? गणना। और 25 हम सीधा 25 लिख देंगे दोस्तों, इसे हम बटे में नहीं कि 25/2 लिखे दोस्तों, ये नहीं। ठीक है, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दोस्तों 25। इसीलिए क्या है? गणना बोधक में पूर्णांक बोधक दोस्तों। ठीक, पूर्णांक है दोस्तों। तो ये भी आपके 13 दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए अपूर्णांक बोधक दूसरा देखते हैं दोस्तों, किसके? पूर्णांक बोधक का। देखिए गणना बोधक के दो भाग होते हैं दोस्तों, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक। तो अपूर्णांक बोधक को भी देखने वाले दोस्तों। अपूर्णांक में क्या होगा? एकदम समूचा नहीं आएगा दोस्तों, पाव आ जाएगा, आध लिख जाएगा, सवा लिख जाएगा, पौने लिख जाएगा, डेढ़ लिख जाएगा, ढाई लिख जाएगा, मतलब जिसको हम बटे के रूप में लिखे दोस्तों। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अपूर्णांक बोधक। जिसको हम पूर्णांक में ना लिख पाएंगे, दो लिख दिया तो ये पूर्णांक में है इसमें। ठीक है, जिसको हम अंश और हर के रूप में लिखे दोस्तों, वही क्या है? अपूर्णांक बोधक। जैसे मुझे आधी रोटी दोस्तों, आधी कैसे लिखेंगे दोस्तों? आधी को हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों गणित में। ठीक, तो आधी क्या है? ये पूर्णांक थोड़ी, ये अपूर्णांक दोस्तों। ठीक है, पाव भर दाल दे दो दोस्तों, तो देखिए पाव भर दाल कैसे दोगे है ना दोस्तों? तो पाव क्या होगा दोस्तों? इस तरह से हम उसको सही से नहीं लिख सकते कि एक तरह लिख दे दोस्तों ना, उसे हमें बटे में ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 1/4 दोस्तों। ठीक, तो ये इस तरह से लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आया था आपके यूपीआरओ में दोस्तों कि चौथाई में किस प्रकार का विशेषण दोस्तों? तो अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक, तो ये चीज आपको बताना था। देखिए यूपीआरओ 2017 का 2014 का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आपने देख लिया कि गणना बोधक में दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक बोधक अपूर्णांक बोधक। तो ये हमने कंफर्म कर लिया दोस्तों। अब देखते हैं अगले तरफ चलते हैं, किसके? आवृत्ति बोधक। ठीक, आवृत्ति बोधक में क्या होता है दोस्तों? देखिए यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अधिक का अनुपात बताती है, कितने अनुपात गुना है दोस्तों। देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें गुना लगा होगा दोस्तों, गुना। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति कैसे देखेंगे? देखिए आ
वृत्ति को कैसे पहचाने इसमें गुना होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ये ता, देखिए आवर्त ऐसे लिखते हैं दोस्तों, तो इस तरह से हम याद रख लेंगे। देखिए आधा था आधे से ये फुल हो गया, मतलब जहाँ पे एक आधा गुना था आधे गुना से पूरा गुना हो गया, मतलब कि जहां पर गुना आ जाए दोस्तों, है ना, दुगुना हो रहा ना इससे, इससे दुगुना हो गया दोस्तों। तो इससे जहां पे गुना आ जाए, मतलब जैसे देखिए किस प्रकार पहचानेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना, जहां कहीं भी गुना लगेगा दोस्तों वो आवर्ती बोधक का ही उदाहरण होगा मेरे दोस्तों। तो समझ गए, चलिए इसके उदाहरण देते किस प्रकार से आएंगे दोस्तों। देखिए उदाहरण किस तरह से आते हैं दोस्तों, कि दूध वाले ने दूध में 2 गुना पानी मिलाया दोस्तों। पानी की विशेषता क्या है कि 2 गुना, देखिए अनुपात ही तो बता रहा कि अगर क्या है दोस्तों, दूध कितना है दोस्तों, देखिए अगर दूध 2 है तो पानी क्या होगा, 1 होगा दोस्तों, तभी तो 2 गुना हो गया दोस्तों, इसके अनुपात से बता रहा दोस्तों। तो याद रखेंगे कहीं पर किसी चीज का अनुपात बताया जाए दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आएगा, आवृत्ति के दोस्तों। ठीक, सिंपल से याद रख लें, गुना लगा होगा तो वो आवृत्ति बोधक ही होगा संख्यावाचक के अंदर का दोस्तों। ठीक, अब देखिए श्याम राम श्याम से 3 गुना उम्र का है दोस्तों, 3 गुना क्या होगा दोस्तों, गुना लग गया, क्या हो गया, आवृत्ति बोधक। अब देखिए अगला देखते हैं, वह सीता से 100 गुना समझदार दोस्तों, तो 100 गुना क्या है दोस्तों, आवृत्ति बोधक, गुना आ गया दोस्तों। यह लड़का 2 गुना मोटा दोस्तों, 2 गुना क्या है दोस्तों, गुना आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आवृत्ति की बात की जा रही, आवृत्ति बोधक हो जाएगा दोस्तों। देखिए आप यूपी साइंस पूछा क्वेश्चन है दोस्तों, कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता दोस्तों, तो यहाँ पर 4 गुना क्या है दोस्तों, गुना आ गया, यानी क्या, आवृत्ति की बात की जा रही है दोस्तों। और ये आपके 15 दिसंबर 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, यूपीएसआई के दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से आवृत्ति बोधक भी हम पहचानना सीख गए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रम बोधक संख्यावाचक। दोस्तों क्रम कैसा होता है, कोई चीज क्रम में लगे होंगे तो दोस्तों कैसे बोलेंगे उसको, हम 1 2 3 तो कहेंगे नहीं, है ना, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से बोलेंगे। ठीक, तो यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है दोस्तों, कोई चीज क्रम में लगे होती है। ठीक, अब जैसे ये मान लिया ये एक लाइन है दोस्तों, ठीक, एक लड़का ये खड़ा, एक ये खड़ा, एक ये खड़ा और एक ये खड़ा, तो हम यहाँ पे खड़े दोस्तों। अब हमें इसको बुलाना क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, ऐसे थोड़े 4 लड़का चले आओ, हम बोले चौथा लड़का चला है ना, क्योंकि क्रम में लगे दोस्तों, हमें चौथी चीज को बुलानी है तो चौथा बोलेंगे, ना कि 4 बोलेंगे दोस्तों। तो वही इसी चीज को क्रम से लगाया गया है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण। ठीक दोस्तों, देखिए इनकी पहचान कैसे होगी, पहला दूसरा तीसरा प्रथम द्वितीय संस्कृत में भी दोस्तों, तृतीय चतुर्थ, तो ऐसे सेंटेंस जहां भी आते हैं दोस्तों वो आपके क्रम बोधक संख्यावाचक के अंतर्गत ही आते हैं मेरे दोस्तों। जैसे देखिए पंक्ति का चौथा बालक चालाक है दोस्तों, पंक्ति का चौथा लड़का चालाक है, देखिए इस तरह से मान लगा था 4, है ना, पंक्ति में बहुत सारे लड़के थे दोस्तों, तो ये पंक्ति है दोस्तों, तो यहाँ पे चौथे लड़के हमने बोलना था। देखिए पंक्ति का जो चौथा लड़का है ये क्या है, चालाक है दोस्तों, तो लड़के विशेषता क्या हुई, चौथा, और ये क्या हो गया आपका, देखिए ये क्या है दोस्तों, एक क्रम से लगा हुआ, इसीलिए क्रम बोधक बोलेंगे दोस्तों। अगला है भारत की हर 5वीं लड़की शिक्षित है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, लड़की विशेषता क्या है, 5वीं, और 5वीं किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, क्रम के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, अगला है तृतीय पंक्ति में सभी को दंड मिलेगा दोस्तों, तो तृतीय क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, एक क्रम की बात की जा रही, प्रथमा द्वितीय तृतीय है ना दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक क्रम वाचक क्या है, क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। अगला है पहला लड़का बहुत होशियार दोस्तों, देखिए लड़का बहुत सारे दोस्तों, तो यहाँ पे पहले वाले की बात की जा रही है, पहला लड़का बहुत होशियार दोस्तों, तो पहला क्या है दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण दोस्तों। ठीक है, क्या है, क्रमवाचक संख्यावाचक का विशेषण का अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछ लिया गया दोस्तों, कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार दोस्तों, तो यहाँ पे यूपीएसआई 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, कि चौथा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है, कि वो चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, ये क्या है, विशेषता बतला रहा है व्यक्ति की, चौथा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक दोस्तों, क्रम वाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसी के संख्यावाचक का दोस्तों चौथा पार्ट क्या है, समुदाय बोधक वाचक। ठीक, समुदाय बोधक संख्यावाचक दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पूरे समुदाय का बोधक, समुदाय मतलब क्या, पूरे घर का दोस्तों, पूरे समुदाय का, जैसे कोई 2 भाई है तो क्या बोले, दोनों भाई, चारों बहने, है ना, इसमें 9 लगा होगा दोस्तों। ठीक है, ओ की मात्रा होगी दोस्तों। ठीक है, देखिए समझिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पर पूरी चीजों को बुलाया, जैसे आपके यहाँ, देखिए आपके यहाँ कितने दोस्तों, मान लिया 4 बहने हैं दोस्तों, ठीक, 4 बहने हैं, और कोई चीज कोई बुलाएगा दोस्तों, ऐसे थोड़ा 2 बहने आ जाओ, बोलेगा 4ों बहने, यानी पूरे को बुलाएगा, तभी क्या आएगा, समुदाय को पूरे, ना, तो इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे, 2नों 3नों 4ों 5ों दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, कि दोनों में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण के, किस प्रकार का इसके अंतर्गत कौन सा विशेषण आएगा दोस्तों, तो क्या समुदाय बोधक, और ये यूपी आर में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, समझिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आता है दोस्तों। जैसे कल 4ों भाई मेरे घर आना दोस्तों, देखिए भाई की विशेषता क्या है, 4ों भाई, यानी पूरे समुदाय को बुलाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सभी 5ों बहने
बहुत होशियार है दोस्तों, सभी पांचों बहनें दोस्तों, इसे पूरे समुदाय की यानी जितनी बहनें उसकी सबकी बात की जा रही है दोस्तों, तो सभी पांचों बहनें बहुत होशियार दोस्तों। तो बहनों की विशेषता क्या है कि पांचों दोस्तों, ये क्या है आपका समुदाय बोल रहा दोस्तों। तीनों लड़के रोज दौड़ने आते दोस्तों, तो लड़के की विशेषता क्या है, तीनों दोस्तों पूरा समुदाय दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ के आठों घर एक जैसे बने दोस्तों, तो घरों की विशेषता क्या है कि आठों के आठों दोस्तों पूरे जितने भी हैं, ठीक, पूरे समुदाय की बात की जा रही है दोस्तों। जहां पे समुदाय की पूरी बात कर ली जाए वहां पे क्या होता है दोस्तों, समुदाय बोधक दोस्तों, ठीक है। संख्यावाचक के अंतर्गत समुदाय बोधक का उदाहरण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते दोस्तों, और इसका क्या है आखिरी पार्ट है दोस्तों, ठीक है। इसके जो आखिरी पार्ट है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक के आखिरी पार्ट है दोस्तों, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक। देखिए प्रत्येक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराती है, मतलब सभी के बारे में बोल दिया जाएगा, वो क्या होगा प्रत्येक बोधक संख्यावाचक। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, प्रत्येक लगा होगा, हर एक लगा होगा, एक एक लगा होगा दोस्तों। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में होशियार है दोस्तों। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता क्या, प्रत्येक, और प्रत्येक क्या है दोस्तों, हर एक के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ कोई संख्या नहीं की नहीं आ रही, मगर पूरे समुदाय के नहीं, हर एक की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाएगा प्रत्येक बोधक। देखिए हर एक नेता भ्रष्ट, तो नेता की विशेषता क्या कि हर एक जितने भी हैं प्रत्येक नेता भ्रष्ट है दोस्तों, ठीक है। एक एक अपराधी को दंड दिया जाएगा दोस्तों, अपराधियों की विशेषता क्या कि एक एक करके, मतलब जितने भी अपराधी सभी को दंड दिया जाएगा दोस्तों। अगला है एक एक चोर को गिन गिन कर पकड़ा गया दोस्तों, तो चोर की विशेषता क्या है कि एक एक करके, मतलब सभी चोरों को पकड़ लिया गया दोस्तों। तो यहां पे क्या होगा आपका, कौन सा बोधक हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक हो जाएगा, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने देख लिया निश्चित, देखे थे निश्चित के पांच भेद देखे दोस्तों, अब अनिश्चित संख्यावाचक देखते हैं दोस्तों। देखिए जहां पर किसी वस्तु की संख्या निश्चित ना हो दोस्तों, वो किसमें आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, ठीक है। समझिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहा गया कक्षा में पांच सात छात्र है दोस्तों, पांच सात का मतलब पांच समझ लें कि सात समझ लें कि छह समझ लें दोस्तों, निश्चित नहीं है मगर है तो संख्या दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके, संख्यावाचक में तो आएगा मगर अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है। जैसे देखें मेला में लगभग हजार लोग थे, अब लगभग मतलब कितना, हजार से कम भी हो सकते, 999 भी हो सकते दोस्तों, और 1100 भी हो सकते दोस्तों। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके बीच में आएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मेले में लगभग हजार लोग थे दोस्तों। तो ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, क्या है निश्चित नहीं है संख्या इनकी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। अगला है भीड़ में सैकड़ों लोग मौजूद थे, तो सैकड़ों मतलब कितने दोस्तों, सौ हम नहीं कह सकते दोस्तों, अगर उसे कहना होता सौ, अगर निश्चित ही कहना होता तो उसका कहता भीड़ में सौ लोग मौजूद थे, मगर उसने कहते सैकड़ों, सैकड़ों मतलब कितने, सौ थे, 200 थे, 300 थे, ये कन्फर्म नहीं है दोस्तों, उसने गिना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए कल हम बीसियों आदमी से मिले दोस्तों, बीसियों आदमी मतलब 20 से ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों, 20 से थोड़ा कम भी हो सकते हैं दोस्तों, निश्चित नहीं दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है कुछ लोग हमेशा आते दोस्तों, तो हमेशा कुछ लोग मतलब क्या, एकदम कंफर्म नहीं, तो कुछ लोगों के बारे में बात की गई दोस्तों, तो ये क्या है अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब संख्या निश्चित नहीं है दोस्तों। सब लोग निर्दयी नहीं होते दोस्तों, तो सब लोग निर्दयी होते हैं, मतलब हर एक आदमी के बारे में बात नहीं की जा रही दोस्तों, सब लोग मतलब गिनती कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला है कल मैदान में बहुत लड़के मिले, अब बहुत कितने लड़के मिले दोस्तों, तो ये आपको कंफर्म नहीं दोस्तों, तो यहां भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा देखिए दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, अब देखिए ढेर सारे मतलब कितना समझ ले दोस्तों, 10 है, 15 है, 20 है, ये कंफर्म नहीं है, संख्या हम गिन नहीं सकते दोस्तों, इसीलिए क्या है अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा देखिए कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों, यहां पे फिर भी ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने प्रश्न करने दोस्तों, तो कितने प्रश्न में क्या है दोस्तों, अनिश्चित संख्या से गिन नहीं पा रहे हैं कितने प्रश्न करने दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि जहां पर हम कोई गिनती न कर सके दोस्तों, वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, और ये भी आपके यूपीएसआई 2016-2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 16 दिसंबर के दोस्तों। अगला है चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 क्वेश्चन पेपर का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कि चंद पैसे का, चंद रुपए कितने रुपए, 2, 4, 10 है ना, कन्फर्म नहीं है, गिनती नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए क्या है ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। अगला है कई दर्शकगण दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कई दर्शकगण में कैसा किस प्रकार का विशेषण दोस्तों, तो क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कई मतलब कितने दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यूपीएसआई 12
दिसंबर का क्वेश्चन दोस्तों, उसी प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। सैकड़ों लोग मारे गए, अब कितने सैकड़ों, मतलब हम 100 समझ ले, 200 समझ ले, 300 समझ ले, 120 समझ ले, 102 समझ ले, दोस्तों कंफर्म नहीं कर सकते, गिनती हम नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों ये अनिश्चित गणना बोधक के अंतर्गत आएगा दोस्तों, अनिश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत आएगा दोस्तों, और ये यूपीएसआई 12 दिसंबर का पेपर है दोस्तों। देखिए अनगिनत तारे, इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, यहां भी गिन नहीं सकते दोस्तों, गिनती तो करनी है दोस्तों मगर गिन नहीं सकते दोस्तों, इसीलिए क्या होगा देखिए दोस्तों, ये क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक, और ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए थोड़े कपड़े कल धुलूंगा दोस्तों, ठीक है थोड़े कपड़े कल धुलूंगा दोस्तों, अब यहां पे बहुवचन होने के कारण दोस्तों ये किसमें आ गया दोस्तों, गिनती कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा कपड़ा, समझिएगा थोड़ा कपड़ा, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप देखिए ये कपड़ा क्या तौला है मापा जाता है दोस्तों, ये क्या आगा परिमाण वाचक में दोस्तों, थोड़ा कपड़ा क्या है इसे हम गिन नहीं सकते, तो परिमाण वाचक में आ गया दोस्तों, ठीक परिमाण वाचक विशेषण। अब यहाँ पे थोड़े कपड़े कह देगा दोस्तों, तो इसे थोड़े कपड़े कल धुलेंगे, तो कपड़े तो हम गिन सकते हैं ना दोस्तों, जिन चीज़ की गिनती हम कर सकते हैं दोस्तों, अगर देखिए किसी चीज़ की अगर हम बहुचा बना दें दोस्तों, तो वो गिनती में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक, अब वहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर थोड़े कपड़े में पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा अनिश्चित संख्या वाचक, अगर थोड़ा कपड़ा कहा जाता दोस्तों, तो इसमें क्या होगा परिमाण वाचक। देखिए थोड़ा कपड़ा हम नहीं गिन सकते दोस्तों, ठीक थोड़ा कपड़ा कितना थोड़ा दोस्तों, ठीक है, और ये क्या आया आपका, मगर यहाँ पर हम इनकी गिनने की कहीं ना कहीं संख्या बनी रहती है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा गणना, सॉरी अनिश्चित संख्या वाचक, और यहां पे क्या होगा परिमाण वाचक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा दोस्तों, एक बार थोड़ा हम रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों एक बार हम दोबारा देखते हैं दोस्तों, देखिए संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, मुख्यतः इनको 5 बारों में मारते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्या है निश्चित संख्यावाची, ना निश्चित संख्यावाची 5 भेद होते हैं दोस्तों ना, और एक अनिश्चित संख्यावाची होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाची हम देखते हैं गणना बोधक को। ठीक दोस्तों, गणना बोधक के बारे में थोड़ा मैसेज देखते हैं दोस्तों, दोबारा रिवीजन करते हैं। गणना बोधक हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक दोस्तों, एक होता है पूर्णांक एक होता है अपूर्णांक दोस्तों। ठीक, गणना कैसे गिना था 1 2 3 4, तो यही सेंटेंस आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे होगा, तो गणना बोधक वो पूर्णांक में आएगा, अगर हमने 1.5 कह दिया जो पूर्णांक में ना लिख सके वो अपूर्णांक में आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो पहचानना कैसे गणना बोधक में, आपको 1 2 3 4 ये गिनती मिलेगी दोस्तों। ठीक, अब आवृत्ति में क्या होता है दोस्तों, देखिए आवृत्ति में क्या होता है, पहले आधा था वो दोगुना हो गया दोस्तों, दोगुना बढ़ा, इसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आवृत्ति बोधक हो जाएगा। क्रम बोधक में क्या होता है, क्रम कैसे लिखा जाए दोस्तों, लाइन में लगोगे कैसे कितने जाओगे 1 2 3 इस तरह नहीं, प्रथमा प्रथम द्वितीय तृतीय है ना इस तरह से, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से गिना जाएगा दोस्तों, तो क्रम बोधक में होगा। समुदान का होता है दोनों बहने चारों बहन भाई है ना, तो दोनों चारों तीनों पांचों छठो है ना सवो, तो इस तरीके से समुदाय बोधक में होगा दोस्तों। और प्रत्येक में क्या होगा, हर एक प्रत्येक दोस्तों है ना, हर एक है ना प्रत्येक, या ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस किसमें आएंगे, प्रत्येक बोधक में दोस्तों। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं, केवल समझना दोस्तों। और देखिए अनिश्चित संख्या में क्या होगा दोस्तों, जिसकी संख्या निश्चित ना हो, जैसे कई लोग, कई लोग में कितने लोग हैं दोस्तों, ये हमें समझ नहीं आ रहा कितने लोग, 10 लोग हैं, या कहते हैं बीसीओ लोग मौजूद थे, तो बीसीओ में कितने, 20 मान ले, 10 मान ले, 15 मान ले, या 21 मान ले, तो ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। जहां पर हम किसी चीज की गणना सही ढंग से ना कर पाए दोस्तों, वो अनिश्चित संख्यावाची होगा। चलिए अब अगले विशेषण के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने 2 विशेषण देख लिए, 2 पार्ट हमने देख लिए, पहला हमने देखा था गुणवाचक, दूसरा हमने देखा संख्यावाचक, अब देखते हैं परिमाणवाचक दोस्तों। ठीक है, परिणाम नहीं है, परिमाण है दोस्तों, परिमाण ये समझिएगा, कहीं परिणाम समझो इसको, परिमाण होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात का तो माप तौल का बोध कराते हैं दोस्तों, वहां क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों। किसी चीज के माप तौल का, जैसे कहते हैं 2 मीटर कपड़ा है ना, 3 किलो आलू है ना, 2 किलो प्याज, ये सब क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक दोस्तों, कि क्या हो जाएंगे परिमाणवाचक। तो ठीक, समझ गए होंगे आप लोग कि परिमाणवाचक विशेषण जो होता है जैसे इसमें नापने तौलने का बोध होता है, जैसे कि देखिए समझिए कैसे, जैसे इकाई होती है दोस्तों, जैसे कि लीटर हो गया है ना, जैसे 2 लीटर दूध का देगा तो क्या होगा परिमाण, क्योंकि तौला जाता है। मीटर 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा है ना, किलोमीटर 10 किलोमीटर है ना, ग्राम 10 ग्राम दूध है ना, इस तरह से किलोग्राम 15 किलो आलू ना, इस तरह से वजन की बात कर लीजिए दोस्तों, तो वो क्या होगा आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक, और देखिए परिमाणवाचक विशेषण को हम 2 भागों में बांटते हैं, कितने दोस्तों, 2 भागों में, कौन कौन सा निश्चित हो जाएगा दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे कह देगा 10 किलो आलू, 10 किलो आम, ठीक 10 किलो आम कह देगा दोस्तों, तो ये निश्चित है ना, हम 10 किलो आम जाएंगे तौलेगा वो दे देगा, निश्चित है दोस्तों। अगर वहीं कह दे कि थोड़ा थोड़े आम लाना, थोड़े मतलब क्या, कितने थोड़े, ये हमें समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अनिश्चित संख्या परिमाणवाचक दोस्तों, और ये क्या होगा निश्चित। देखिए 10 किलो आम निश्चित था, अब कहते थोड़े आम दे दो, तो थोड़े आम में कितने थोड़े दोगे वो निश्चित नहीं दोस्तों, तो यही चीज आपको समझना है। जहां पर किसी चीज को हम समझ ले दोस्तों, उसका हम निष्कर्ष निकाल ले दोस्तों, निश्चित लगे कि हाँ इतना हम कर सकते दोस्तों, तो वो चीज क्या होगा निश्चित में आएगा दोस्तों, और अनिश्चित
मिक्सचर में जितना जो चीज़ हम समय समझ में ना आ रही दोस्तों कि हाँ कितना दे दें भैया, कह देगा थोड़ा नमक डाल दो। थोड़ा नमक डालना मतलब क्या, थोड़ा कितना नमक डाल दे दोस्तों, 50 ग्राम 100 ग्राम, ये हमें निश्चित नहीं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में दोस्तों। ठीक है, तो दो होते हैं परिमाणवाचक के भेद, दो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं दोस्तों कैसे होते हैं। दोस्तों देखिए निश्चित में होगा किसी चीज का निश्चितता का बोध होगा। दोस्तों देखिए ये वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध कराता है दोस्तों। निश्चित मतलब निश्चित होगा। देखिए जैसे कैसे, जैसे बाजार से 5 किलो आम खरीदा दोस्तों, तो देखिए आम की विशेषता क्या है, 5 किलो, और 5 किलो क्या है दोस्तों, निश्चित है ये, मतलब कंफर्म है, एक आइडेंटिटी है दोस्तों कि हाँ 5 किलो का पार्ट होता है दोस्तों, है ना, एक ये 5 किलो होता है दोस्तों, तो ये क्या है, निश्चित है दोस्तों। ठीक है, 5 किलो उसने डलिया भर सेब लिया दोस्तों, डलिया भर क्या है, निश्चित दोस्तों, एक डलिया हमने ली उससे भर लिया, निश्चित होगा। अभी से हम किसी को दे देंगे दोस्तों, ठीक है, 4 शेर दूध लिया, तो दूध की विशेषता क्या है, 4 शेर, ये भी क्या है, एक मापक है दोस्तों, निश्चित है दोस्तों। 2 क्विंटल धान खरीदा दोस्तों, धान की विशेषता क्या है, 2 क्विंटल, और 2 क्विंटल का निश्चित है दोस्तों, तौल है दोस्तों कि 100 किलो का 1 क्विंटल, तो 200 किलो ले लिया होगा, 2 क्विंटल होगा। अब 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा दोस्तों, कपड़े की विशेषता क्या है, 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर तो आपको नाप मिल जाएगा दोस्तों, निश्चित तो है 2.5 मीटर, हाँ 2.5 मीटर का होगा आप दुकान पर तो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर दोस्तों, ये भी तो निश्चित है कि 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर हो दोस्तों, तो 5000 मीटर हो गया दोस्तों, तो 5 किलोमीटर हो गया दोस्तों, तो क्या है, निश्चित दोस्तों, किसी से बोलोगे निश्चित है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे 10 ग्राम सोना खरीदा, 10 ग्राम का निश्चित दोस्तों, तौला जा सकता है दोस्तों। ठीक, 25 गज जमीन, ये भी क्या है, निश्चित है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ये क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा गया दोस्तों। ठीक, तो किस प्रकार का है ये, तो निश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। 13 दिसंबर 2017 क्वेश्चन है कि मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब देखिए 3.5 मीटर क्या है दोस्तों, निश्चित है दोस्तों। ठीक है, एक आप दुकान पर जाएंगे बोलेंगे 3.5 मीटर कपड़ा, तो दोस्तों वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक, अगर वहीं कह दो कुछ कपड़ा लगेगा, कुछ कपड़ा दे दो, तो कुछ कितना देगा वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा, वो अनिश्चित में होगा, मगर यहाँ पे 3.5 मीटर आपको तुरंत नापेगा दोस्तों, स्केल उठाएगा तुरंत नाप के आपको दे देगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, निश्चित में आएगा दोस्तों। ठीक, और ये UPSI का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा देखिए चाय में 50 ग्राम चीनी डालना दोस्तों, ये भी आपके UPSI 12 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 ग्राम बोलोगे आप निश्चित है दोस्तों। अब बोल दो आपकी चाय में थोड़ा चीनी डाल दो, थोड़ा कितना डाल दे वो खुद कंफ्यूज होगा दोस्तों, तो वो अनिश्चित में आएगा, मगर आपने कहा कि चाय में 50 ग्राम चीनी डालो मतलब तौलेगा और डाल देगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें क्या है, निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। देखिए संख्यावाचक में क्यों होगी, 50 तो संख्या है मगर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों नापी है तौली जा रहे दोस्तों, ये क्या होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, ये होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों। देखिए ये वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराता। देखिए अनिश्चित लिखा तो निश्चित करवाएगा नहीं दोस्तों, जैसे देखिए किस प्रकार पहचानेंगे, इसमें थोड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, अधिक आएगा, पूरा आएगा, कम आएगा, बहुत आएगा, धन सब आ जाएगा दोस्तों। देखिए देखिए थोड़ा नमक कहा गया, तो नमक की विशेषता क्या, थोड़ा, अब कितना थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो अनिश्चित हो गया। ठीक है, दाल, ज्यादा दाल, तो ज्यादा दाल दे दी है ना, ज्यादा दाल डाल दी, तो दाल में क्या, ज्यादा कितना ज्यादा, भैया 100 ग्राम 50 ग्राम है ना, 2 कप 3 कप, तो ये चीजें आपके निश्चित नहीं है दोस्तों। ठीक, उसी तरह अधिक चीनी हो गई, चाय में चीनी अधिक हो गई, तो अधिक कितनी अधिक हो गई, 100 ग्राम 50 ग्राम, ये नहीं पता दोस्तों, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। उसी तरह से आनंद, कितना आनंद, पूरा आनंद कितना पूरा दोस्तों, ये भी आपके लिए कंफर्म नहीं है, तो कम चाय डालो ना, तो कम चाय कितना, कम, थोड़ा कम है ना, एक चुटकी दो चुटकी, ये भी आपके लिए क्या है, अनिश्चित है दोस्तों, निश्चित नहीं है। बहुत दूध, बहुत कितना दूध दोस्तों, 2 लीटर 5 लीटर, ये भी आपके लिए कन्फर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा दोस्तों। उसी तरह सब धन, तो सब धन कितना धन दोस्तों, ये भी निश्चित नहीं, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक का भेद हो जाएगा दोस्तों। ठीक, देखिए जैसे उदाहरण क्या है कि, उदाहरण समझिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे चाय में ज्यादा चीनी है, अब ज्यादा कितनी ज्यादा है दोस्तों, ये हमें कंफर्म नहीं है दोस्तों, ज्यादा कितनी है, 100 ग्राम ज्यादा है, 50 ग्राम ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों, क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। उसे उसी तरह से मुझे थोड़ा नमक देना, थोड़ा नमक कितना थोड़ा दोस्तों, ये हमें पता नहीं, 50 ग्राम 100 ग्राम, ये हमें निश्चित नहीं, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। कल मैंने पूरा आनंद लिया, तो पूरा कितना पूरा दोस्तों, ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। दूध में कम पानी डालना दोस्तों, कम पानी डाला करो, तो इसमें क्या होगा, कम पानी, कितना कम पानी, ये हमें कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, निश्चित नहीं, इसीलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। उसी तरह उसने सब धन लूट लिया, तो कितना सब लूट लिया दोस्तों, ये भी हमने गिना नहीं दोस्तों, गिन नहीं सकते दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, अनिश्चित होगा। आपने बहुत चाय दे दी, अब कितना दे दी दोस्तों, बहुत कितना दे दिया दोस्तों, ये हमें कंफर्म नहीं दोस्तों, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, हम गिन नहीं सकते दोस्तों कितना बहुत, इसीलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो दोस्तों, UPSI में पूछा गया 22 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो दोस्तों, कितना थोड़ा दोस्तों,
1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, ये कितना थोड़ा ये भी आप बता दो। तो यही अगर कहते हैं आप आधा लीटर दूध गर्म कर दो तो क्या होगा, निश्चित परिमाण हो जाता है। अब थोड़ा दूध कितना थोड़ा ये मैं समझ नहीं आ रहा दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। और ये आपके UPSC क्वेश्चन है दोस्तों। उससे ज्यादा देखिए आटे में थोड़ा नमक डाले दोस्तों, तो थोड़ा कितना नमक डाले दोस्तों, थोड़ा कितना थोड़ा दोस्तों, ठीक। तो थोड़ा क्या होगा ये अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। ये भी आपके 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कुछ लोग इधर आ रहे हैं दोस्तों, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये कुछ लोग में क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा अनिश्चित दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट। अब देखिए अंतर समझ लीजिए दोस्तों कि जो अनिश्चित परिमाणवाचक है अनिश्चित संख्यावाचक में अंतर क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। जब किसी चीज को दोस्तों हम तौलने की चीज की तौलने के लिए बात करते हैं दोस्तों, तौला नापा जा सकता तो वो क्या होगा अनिश्चित परिमाणवाचक में होगा। जब उसे हम तौले ना दोस्तों, ठीक, उसे तौल ना सके दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या होगा निश्चित में होगा। जैसे बहुत चीनी, देखिए बहुत यहाँ भी जो रहा बहुत चीनी का चीनी तौलने वाली चीज है, मापने वाली चीज, बेचने वाली चीज है, और बहुत आदमी बहुत यहाँ भी है दोस्तों, मगर ये वाला बहुत क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक होगा और ये वाला बहुत क्या होगा निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, क्योंकि ये चीनी का तौली जाएगा दोस्तों और मनुष्य तौले यहाँ पर मापे नहीं जाएंगे दोस्तों, इसलिए क्या होगा दोस्तों ये अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों, वो ये क्या होगा परिमाणवाचक होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब थोड़ी चाय, थोड़ी यहाँ भी है और थोड़ी यहाँ भी है दोस्तों, थोड़े यहाँ भी है, ठीक। तो थोड़ी चाय, अब थोड़ी चाय क्या है दोस्तों निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम इसका बहुवचन बना दें तो थोड़े व्यक्ति, तो थोड़े व्यक्ति दोस्तों क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि व्यक्ति का है संख्यावाचक दोस्तों, ठीक है। अब देखो थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा क्या है परिमाणवाचक है दोस्तों, थोड़ा कपड़ा दे दो, है ना। अब देखिए थोड़ा कपड़ा क्या है, इसे हम गिन नहीं सकते दोस्तों, ये एक थोड़ा थोड़ा सा कॉटन जैसा तोड़ काट के दे दिया दोस्तों, है ना। अब वही अगर थोड़े कपड़े बचे हैं दोस्तों, थोड़े कपड़े मतलब इनको गिन सकते हैं दोस्तों, थोड़े कर दिया हमने, इसका बहुवचन बना दिया, तो ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक में आ गया दोस्तों। तो ये चीज आपको समझना है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर था। अब देखते हैं लास्ट सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण को हम और क्या बोलते हैं तो संकेतवाचक, क्योंकि ये संकेत करता है दोस्तों किसी चीज के लिए, क्या करता है ये संकेत करता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। समझिएगा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा था। कहीं भी अगर सर्वनाम विशेषण की तरह, सॉरी विशेषण की तरह प्रयोग में आ जाए सर्वनाम, तो उसे हम क्या बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते दोस्तों तब वे सार्वनामिक विशेषण कहते। मतलब किसको किसको छोड़कर, तू, वह और मैं को छोड़ करके अगर कोई अन्य जो सर्वनाम है दोस्तों संज्ञा से पहले आते दोस्तों तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों, ठीक, समझिएगा। जो सर्वनाम, ठीक, क्या होता है जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आते हैं, मतलब संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम लगा तो उन्हें हम क्या बोलते हैं मौलिक सर्वनामिक। और बिना रूपांतरण के जैसे यह है तो यह क्या है सर्वनाम है, अब यह का नहीं ऐसा हो जाए कैसा हो जाए तो वह है नहीं, ठीक दोस्तों, यह क्या है सर्वनाम है, तो इसी तरीके से वो आएगा दोस्तों, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सर्वनाम में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों और संज्ञा पहले आ जाए दोस्तों तो वो क्या होगा दोस्तों आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण होगा मगर उसके अंदर मौलिक और यौगिक में से मौलिक हो जाएगा दोस्तों, मूल रूप से आए दोस्तों। जैसे यह घर मेरा है दोस्तों, तो घर की विशेषता क्या है ये है, और ये क्या है एकदम सिंपल सा है दोस्तों, इसलिए क्या होगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक दोस्तों। अगला है वो किताब फटी, तो किताब की विशेषता क्या है वो, और वो एकदम सिंपल तरीके से आया दोस्तों, और क्या आया है संज्ञा के पहले आया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक। कोई आदमी आ रहा, देखिए आदमी की विशेषता क्या है कोई दोस्तों, ठीक है, और कोई क्या है सर्वनाम है दोस्तों, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। कोई बच्चा नहीं खेलेगा दोस्तों, वन रक्षक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा दोस्तों, तो बच्चे की विशेषता क्या है कोई, और कोई क्या है दोस्तों आपका मौलिक सार्वनामिक का उदाहरण होगा दोस्तों। अगला है वह लड़का छोटा है दोस्तों, ये आपके UPPCL स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया 2018 क्वेश्चन है, वह लड़का छोटा दोस्तों, तो लड़के विशेषता क्या वह, और दोस्तों ये क्या है आपका मौलिक सार्वनामिक का उदाहरण होगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपके UPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, लेटेस्ट 2017 क्वेश्चन है, 22 दिसंबर का क्वेश्चन, कि यह कुत्ता मेरा है दोस्तों, तो कुत्ते की विशेषता क्या है कि यह है दोस्तों, ठीक है, यह विशेषता दोस्तों, ये कुत्ता का विशेष होगा और यह क्या है विशेषण दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों एकदम सिंपल सा है दोस्तों, इसीलिए इसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन यूपी ट्यूबवेल के, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये घोड़ा अच्छा है दोस्तों, घोड़े की विशेषता क्या है कि ये, और ये क्या है दोस्तों मौलिक है दोस्तों, ठीक, तो क्या जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, ठीक, ये आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 का क्वेश्चन दोस्तों। अब अगला देखते हैं यौगिक सार्वनामिक, दूसरा क्या है सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद क्या है यौगिक सार्वनामिक दोस्तों। देखिए जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताते, देखिए रूपांतरित हो जाएंगे, देखिए पहले वाले में क्या था मौलिक थे, ये यही था दोस्तों, अब यह नहीं होगा ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा का ऐसा इस तरह से दोस्तों, तो यह जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते दोस्तों उन्हें हम क्या बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा होता, आदमी विशेषता क्या ऐसा दोस्तों, तो ये क्या है
ऐसा आदमी नहीं देखा होगा दोस्तों। तो ऐसा क्या है दोस्तों, यौगिक सार्वनामिक। कैसा घर चाहिए, तो घर की विशेषता क्या है, कैसा दोस्तों, कैसा क्या है, यौगिक सार्वनामिक। जैसा देश वैसा भेष, तो इसमें देश की विशेषता क्या है, जैसा दोस्तों, जैसा क्या है आपका, यौगिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए विशेषण हमारे क्या होगा, समाप्त होगा दोस्तों। अब देखिए विशेषण और विशेषण के संबंध देखते हैं, किस प्रकार के विशेषण विशेष होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है दोस्तों। किस प्रकार से, एक विशेष विशेषण होता है दोस्तों, एक विधेय होता है दोस्तों। समझिएगा क्या होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं, देखिए वाक्य में विशेषण के दो प्रयोग होते हैं दोस्तों। दो प्रकार से प्रयोग किया जाते हैं। एक पहले होता है विशेष विशेषण दोस्तों। विशेष विशेषण क्या होते हैं, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। अगर विशेष के पहले विशेषण आ रहा दोस्तों, तो क्या होगा, विशेष विशेषण। देखिए मनीष चंचल लड़का है दोस्तों। देखिए अब लड़का क्या है दोस्तों, विशेष है दोस्तों। क्या है, विशेष है दोस्तों। ठीक है, चंचल क्या है दोस्तों, विशेष है दोस्तों। लड़का क्या है, विशेष है। और चंचल क्या है दोस्तों, विशेष है। अब देखिए विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण। अब देखिए ये क्या है, विशेष से, विशेष यह है लड़का और उसके पहले आया है विशेषण, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विशेष विशेषण। उसी तरह देखिए राम होशियार बालक है। अब देखिए बालक क्या है, विशेष है दोस्तों। अब विशेष के पहले विशेषण आ गया दोस्तों। ठीक है, विशेष से पहले विशेषण आ गया होशियार दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका, विशेष विशेषण। अगर यहीं पर राम बालक होशियार दोस्तों, तो अगर बालक के बाद होशियार होता दोस्तों, तो वो क्या होता, विधेय विशेषण। वो हम देखेंगे आगे किस प्रकार। देखिए अगला उदाहरण देते हैं, सीता सुशील गृहिणी है दोस्तों। गृहिणी है, गृहिणी विशेषता क्या है, सुशील दोस्तों। सुशील नाम है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, उससे गुण है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए विशेष के पहले विशेषण आ गया दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, ये विशेष विशेषण दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, विधेय विशेषण क्या होता है दोस्तों, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं दोस्तों। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण दोस्तों, विधेय विशेषण दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे मेरा कुत्ता काला, जैसे कुत्ता विशेषता है काला। अब देखिए ये क्या है, कुत्ता क्या है, ये विशेष है दोस्तों। क्या है, विशेष। अब देखिए विशेष के बाद अगर विशेषण आता तो विधेय विशेषण होगा। हमने पहले क्या था, देखा था कि अगर विशेषण पहले आता दोस्तों, तो उसे हम क्या, विधेय विशेष विशेषण बोलते थे। अब देखिए विशेषण बाद में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। देखिए मेरा कुत्ता काला है, तो काला क्या दोस्तों, विशेषण है ये, और कुत्ता क्या है, विशेष है। तो विशेष के बाद विशेषण आ रहा है, इसलिए इसको हम विधेय विशेषण बोल रहे हैं दोस्तों। अगला है, मेरी स्कूटर नहीं है दोस्तों। तो नहीं क्या है दोस्तों, विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है दोस्तों। और स्कूटर क्या है, विशेष है दोस्तों। तो देखिए विशेष के बाद विशेषण आ रहा है दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, विधेय विशेषण। उसी तरह से मेरी गाय सीधी है दोस्तों, तो गाय की विशेषता क्या है, वो सीधी है दोस्तों। मगर विशेषण क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब विशेष के बाद विशेषण आ रहा दोस्तों, इसीलिए क्या होगा यहां पर, विधेय विशेषण दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पे कैसे होगा दोस्तों, ठीक है, विशेष विशेषण का होगा और विधेय विशेषण का होगा। देखिए समझिएगा, अगर यहां पे हम कर्ता देख लेते दोस्तों, यानी यहां पर हम विशेषण रख ले दोस्तों, ठीक, यहाँ पे क्या हम विशेषण रख ले दोस्तों, क्या, सॉरी एक बार देखिएगा किस प्रकार से पहचानेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे क्या, यहाँ पर हम विशेष रख लें, यहाँ पर विशेष या फिर संज्ञा रख लें, अगर इसके पहले अगर विशेष आता दोस्तों, इसके पहले अगर विशेषण रहता तो उसे हम विशेष विशेषण बोलेंगे, अगर विशेष के बाद में विशेषण आता तो उसको हम विधेय विशेषण बोलेंगे दोस्तों। दो प्रकार से, ठीक, देखिए कैसे, जैसे होशियार लड़का पुरानी पुस्तक पढ़ रहा। देखिए लड़के विशेषता क्या है दोस्तों, होशियार है, देख, ठीक है, लड़के विशेषता क्या है कि होशियार दोस्तों। तो ये क्या होगा आपका, विशेष विशेषण, क्योंकि देखिए कर्ता के पहले आ गए दोस्तों, मतलब विशेष के पहले विशेषण आ गए, इसलिए विशेष विशेषण होगा दोस्तों। और पुरानी पुस्तक पढ़ता, अब देखिए अब इसके बाद अगर आएगा दोस्तों, तो क्या, इसके बाद अगर विशेषण आता दोस्तों, यह क्या होगा दोस्तों, आपका विधेय विशेषण। तो इस तरीके से आपको समझना दोस्तों, पहले आ रहा तो विशेष विशेषण होगा, ठीक दोस्तों, अगर बाद में विशेषण आ रहा है विशेष के, तो विधेय विशेषण हो जाएगा दोस्तों। इसको हमने क्लियर कर लिया दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको समझना होता दोस्तों, ठीक, एक से अच्छे से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, विशेषण की बात खत्म हो गई, अब हम प्रविशेषण देखेंगे दोस्तों। ठीक है, विशेषण की बात खत्म, अब हम प्राविशेषण देख रहे हैं, प्राविशेषण क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। देखिए हमने देखा था विशेष, क्या देखा दोस्तों, विशेष। चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, फिर उसके हम समझाएंगे किस प्रकार से प्राविशेषण को हम समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए प्राविशेषण क्या होता है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं दोस्तों। हिंदी में कुछ विशेषणों के विशेषण होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बदलाए दोस्तों, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण जो प्राविशेषण होते हैं, वो विशेषण की भी विशेषता बदलाते दोस्तों, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं दोस्तों। और कामता प्रसाद गुरु जी ने इन्हें अंतर विशेषण कहा। क्या बोला दोस्तों, अंतर विशेषण कहा, किसको, प्राविशेषण को दोस्तों, समझिएगा। देखिए एक चीज क्या होता है दोस्तों, विशेष होते हैं, ठीक,
विशेष होते हैं, विशेष के अंतर्गत क्या आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। अब विशेष की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण, ये हमने पढ़ लिया। विशेष को क्या संज्ञा सर्वनाम विशेष होते हैं, अब विशेष की विशेषण विशेषता कौन बतलाते हैं, विशेषण बतलाते हैं दोस्तों। अब विशेषण की भी जो विशेषता बतला देंगे दोस्तों उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक। विशेषण की जो विशेषता बतलाएगा उन्हें हम प्राविशेषण कहेंगे, समझिएगा। जैसे राम बहुत तेज लड़का है दोस्तों, अब यहां पर देखिए राम बहुत तेज लड़का, अब देखिए लड़का क्या है दोस्तों, विशेष हो गया दोस्तों, समझिएगा ये क्या है, विशेष है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम दोस्तों। अब लड़के की विशेषता क्या है, तेज है दोस्तों, तेज क्या होगा, विशेषण हो गया दोस्तों, क्या हो गया, अब विशेषण हो गया दोस्तों, ठीक, क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब मगर तेज तो कितना तेज है, बहुत तेज है दोस्तों, तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत क्या होगा दोस्तों, ये आपका प्राविशेषण होगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि देखिए विशेष की विशेषता कौन विशेषण बतला रहा और विशेषण विशेषता कौन बतलाएगा, प्राविशेषण, तो इसे ही हम प्राविशेषण बोलेंगे। देखिए अगला देखते हैं, सीता अत्यंत सुंदर लड़की, दोस्तों लड़की क्या है, विशेष है दोस्तों, और लड़की विशेषता क्या है, सुंदर है, तो सुंदर क्या होगा, विशेषण होगा। अब सुंदर कितनी है दोस्तों, सुंदर की विशेषता क्या है, अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत क्या होगा, प्राविशेषण। उसी प्रकार से कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है दोस्तों, तो लाल तो है, देखिए सेब क्या है, लाल तो है, लाल क्या होगा, विशेषण होगा दोस्तों, ठीक। सेब क्या होगा, संज्ञा, सॉरी विशेष होगा, यानी संज्ञा होगा, विशेष होगा दोस्तों, ठीक है। अब लाल क्या होगा, इसकी विशेषता बता रहा सेब की, मगर लाल तो मगर सिंदूरी लाल, तो सिंदूरी क्या होगा दोस्तों, आपका प्रविशेषण। उसी तरह देखते हैं गरिमा बहुत चालाक लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है, चालाक, चालाक क्या होगा, विशेषण होगा, और प्रविशेषण, चालाक तो कितनी चालाक, बहुत चालाक दोस्तों, ये आपका प्रविशेषण होगा। उसी तरह से मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी दोस्तों, भूख तो देखिए थोड़ी क्या है दोस्तों, भूख तो दोस्तों लगी है, तो भूख क्या है दोस्तों, विशेषण है, विशेषता है दोस्तों, और भूख कितनी थोड़ी दोस्तों, थोड़ी क्या होगा आपका, प्रविशेषण। ये आपके यूपीएसआई 12 दिसंबर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, आजकल संतरे कुछ खट्टे हैं दोस्तों, देखिए संतरे विशेषता क्या है, खट्टे दोस्तों, खट्टा क्या होगा, ये विशेषण होगा, क्योंकि संतरा क्या है, विशेष है दोस्तों, ये विशेषण होगा। अब खट्टे तो हैं, कितने खट्टे हैं, तो ज्यादा खट्टे, कुछ ज्यादा खट्टे दोस्तों, ठीक है, खट्टे विशेषता का ज्यादा और ज्यादा की कुछ ज्यादा दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपके यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए विशेषण की तुलना अवस्था होती है दोस्तों, तुलना कितने प्रकार से की जाती है दोस्तों विशेषण की, ये भी हम आपको बताने वाले दोस्तों। देखिए क्या होता तुलना, देखिए जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब जब किसी वस्तु के दो, देखिए दो या दो से अधिक वस्तुओं के भावों गुणों या मान आदि के परस्पर मिलान को, उनको मिलाते दोस्तों के विशेषण को हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी तीन अवस्था होती है, जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वही चीज इसमें है। जैसे कौन कौन सी अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं दोस्तों, तो मूलावस्था क्या होता है दोस्तों ये समझते हैं। देखिए इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलना न कर होकर सीधा व्यक्त होता है, जैसे कहा गया कि ठीक अभी देखेंगे इसको कि सुंदर, मधुर, वीर, अधिक और आदि, ऐसे सच में क्या होते हैं मूल अवस्था दोस्तों, जो मूल अवस्था होती है उनकी प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट अवस्था, ठीक, तो वो चीज़ देखते हैं दोस्तों, ठीक। इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरे वस्तु से नहीं की जाती दोस्तों, मतलब इसमें क्या होती है, तुलना किसी भी चीज़ की किसी वस्तु से नहीं की जाती दोस्तों, किसी के उससे नहीं की जाती। जैसे सुंदर क्या है, सुंदर सिंपल है, अब नहीं सुंदरतम, सुंदरतर, ऐसे नहीं होंगे दोस्तों, ये क्या होगा, सुंदर शब्द क्या है, पहली अवस्था, मूल अवस्था, इसीलिए इसको मूल अवस्था बोलेंगे। मधुर हो गया, वीर हो गया, आदि होगा, मतलब इनमें किसी की तुलना नहीं की जाएगी दोस्तों, ये खुद अपने आप में होंगे दोस्तों, ठीक। तो इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, मूलावस्था, यानी मूल अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे दोस्तों, आपके उत्तरावस्था दोस्तों, दूसरी जो होती है उत्तरावस्था। देखिए उत्तरावस्था क्या होता है दोस्तों, जब इसमें क्या होता है, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम परस्पर तुलना व्यक्त किया था दोस्तों, जब दो संज्ञा सर्वनाम में परस्पर तुलना व्यक्त किया था दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, उत्तरावस्था दोस्तों। इसमें किसी एक वस्तु के गुण या दोष अधिक बताया जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें किसी एक वस्तु के गुण या दोष अधिक बताया जाते दोस्तों, उसमें क्या होता है, उत्तरावस्था होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह अवस्था बनाने के लिए या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले से लिख दिया जाता है दोस्तों, या फिर उसमें विशेषण में क्या प्रत्यय तर जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ देते हैं, हम तर जोड़ देते हैं, जैसे उत्तम का उत्तमतर दोस्तों, ठीक। इस तरह से मतलब कि हम कर देते हैं दोस्तों, ठीक, बताने के लिए हमने बता दिया। देखिए या तो से जोड़ दें, इसमें दो लोगों के बीच में होता, दो लोगों के बीच में क्या होता है कि तुलना की जाती है, जैसे राम श्याम से अधिक अधिक समझदार, देखिए से लगा देगा दोस्तों, हमने बताया था, या तो से लगा दे दोस्तों, या फिर हम क्या लगा दें, तर लगा दें ना दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं आपके उत्तम, ठीक दोस्तों, क्या होती है आपके उत्तरावस्था दोस्तों। अब देखते हैं लास्ट क्या होता है, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या, सब में अच्छा होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा होता है दोस्तों, समझिएगा। इसमें एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना सभी से की जाती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए
एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना सभी से की जाएगी दोस्तों, उसमें क्या होगा उत्तमावस्था। देखिए इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु की सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है दोस्तों, सबसे अधिक होगा दोस्तों, ये सबसे ऊंचा होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यह अवस्था बनाने के लिए या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले हम सबसे पद का प्रयोग कर दें या फिर साथ में तम लगा के प्रत्यय जोड़ दें दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका उत्तम हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा दोस्तों, उत्तम अवस्था हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे भारतीय टीम में विराट सबसे अच्छे खिलाड़ी, अब देखिए पूरी टीम की बात कर लीजिए, पूरी टीम की तुलना एक विराट से केवल कर दी गई क्योंकि सबसे अच्छे हैं, तो देखिए या तो सबसे लगाते हैं या इसमें क्या जोड़ते हैं तम जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, अच्छतम, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, इसलिए हम सबसे शब्द लगाकर इसके हम उत्तम अवस्था का बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों, देखिए कुछ हमने ये आपके लिए बना दिया दोस्तों, हमने एक सारणी बना दी है कि किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। देखिए मूलावस्था है दोस्तों, उत्तरावस्था है, उत्तम अवस्था, देखिए उत्तरावस्था में से या तर जोड़ के दोस्तों बनाते हैं और उत्तम अवस्था किसी चीज का सबसे या तम जोड़कर हम बनाते हैं दोस्तों। देखिए उच्च का उत्तरावस्था क्या होगा, उच्चतर दोस्तों, तर जोड़ दिया, अब ये उत्तमावस्था क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, तम जोड़ देंगे दोस्तों। उसी प्रकार से अधिक का क्या होगा, अधिकतर होगा, तर जोड़ दिया तो उत्तरावस्था हो गया, अधिकतम तम जोड़ दिया दोस्तों तो उत्तमावस्था होगा। उसी प्रकार से दोस्तों निम्न का क्या, निम्नतर हो गया दोस्तों, तर जोड़ दिया और तम जोड़ दिया तो निम्नतम होगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से प्रिय क्या होगा, प्रीतर हो गया दोस्तों, ठीक है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होगा, प्रीतम होगा, तम जोड़ दिया दोस्तों। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होगा दोस्तों, इस प्रकार से हम अवस्थाएं का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं दोस्तों, विशेषणों की रचना, रचना किस प्रकार से होती है दोस्तों। देखिए संज्ञा में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं, देखिए हर तरह से संज्ञा विशेषवृत्ति सर्वनाम से इस तरह से देखते हैं विशेषण कितने प्रकार से बनते हैं दोस्तों। देखिए संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं दोस्तों, संज्ञा में हम प्रत्यय लगाने से विशेषण का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखिए इक प्रत्यय से कौन से, जैसे धर्म क्या है, संज्ञा दोस्तों, हमने इसमें क्या इक प्रत्यय जोड़ दिया, धार्मिक क्या बन गया, विशेषण बन गया दोस्तों, समझिएगा। जैसे इला क्या है, प्रत्यय दोस्तों, अब इसमें संज्ञा में चमक संज्ञा है दोस्तों, चमक में अगर इला प्रत्यय जोड़ दिया क्या विशेषण बन गया, चमकीला दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, देखिए चमक में क्या है, चमक संज्ञा दोस्तों, इसमें प्रत्यय इला जोड़ देगा चमकीला होगा। उसी प्रकार से मुख क्या है, संज्ञा दोस्तों, अब इसे प्रत्यय एक जोड़ देगा तो क्या होगा, मौखिक होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ई क्या है, प्रत्यय है दोस्तों, और गुण क्या है, संज्ञा, अगर गुण में हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो गुड़ी होगा दोस्तों, ठीक है, ये क्या हो गया आपका विशेषण बन गया। उसी प्रकार से अर्थ क्या है दोस्तों, संज्ञा है, इसमें एक जोड़ दें दोस्तों प्रत्यय तो आर्थिक हो गया, आर्थिक क्या होगा दोस्तों, विशेषण हो गया। उसी प्रकार धन क्या है दोस्तों, संज्ञा है, वान क्या है, प्रत्यय दोस्तों, धनवान हो गया, जोड़ दिया दोस्तों, धनवान क्या होगा, विशेषण हो गया। उसका जाति क्या दोस्तों, संज्ञा है और एक ई क्या है दोस्तों, प्रत्यय है और जातीय जो हो गया, जिनको दोनों जोड़ देगा दोस्तों जातीय बन गया, ये क्या होगा आपका विशेषण होगा। तो संज्ञा से बनते हुए लेता है दोस्तों विशेषण, हमने क्रिया से भी बनते हैं दोस्तों, क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण का निर्माण होता है। जैसे पूज क्या है दोस्तों, क्रिया है और अणी जोड़ दिया प्रत्यय जोड़ दोस्तों तो पूजनीय हो गया, क्या है आपका विशेषण है दोस्तों। पठ क्या है, क्रिया है दोस्तों और नीय जोड़ दिया दोस्तों पठनीय हो गया, ये भी क्या हो गया विशेषण बन गया दोस्तों। तो क्रिया से भी प्रत्यय लगने से आपका विशेषण बन सकता है दोस्तों। अव्यय से दोस्तों, जैसे अंदर क्या है दोस्तों, अव्यय शब्द है, ऊनी क्या है, प्रत्यय जोड़ दिया तो अंदरूनी का होगा दोस्तों, विशेषण बन गया दोस्तों, ठीक है। अब बाहर क्या है, प्रत्यय अव्यय है, ई क्या है दोस्तों, प्रत्यय है तो बाहरी, दोनों जोड़ के बन गया बाहरी, ये भी क्या होगा आपका दोस्तों, आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका विशेषण बन गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तीन तरह से हमने देख लिया दोस्तों, विशेषण का निर्माण हमने देख लिया दोस्तों, ठीक। तो ये विशेषण हमने पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों, अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, पूरी हम देखेंगे दोस्तों कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपके हमने केवल दो ही पेपर के अटेंड किए दोस्तों, यूपीएसआई में पूछे गए 2017 के और 2018-19 के आपके यूपी पुलिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक चीज के बारे में देखेंगे दोस्तों, थोड़ा डीपली देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरे क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, हम एक तरीके से पूरे पूरे क्वेश्चन हम करने वाले दोस्तों, ठीक है, विशेषण से संबंधित दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण पहचाने दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 18 जून 2018 का प्रथम पाली का पेपर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें विशेषण क्या है, लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत दोस्तों, इसमें विशेषण क्या है दोस्तों। देखिए हम विशेषण कैसे पहचान सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो देखिए किसी भी सेंटेंस के पीछे का कोई सेंटेंस लग जाता है दोस्तों, तो वो विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लंबाई व्यक्ति तो नहीं लग रहा दोस्तों, बुढ़ापा व्यक्ति, बुढ़ापा एक तो संज्ञा होगा दोस्तों, ये तो क्या है, संज्ञा ही है दोस्तों, ठीक है। समझ व्यक्ति नहीं, समझदार व्यक्ति होता, समझदार हो जाता है आपका विशेषण, मगर समझ कोई विशेषण नहीं दोस्तों। शांत व्यक्ति दोस्तों, बिल्कुल सही, तो शांत के सामने हमारा व्यक्ति लग जाएगा पीछे, तो शांत आदमी, ठीक है, तो शांत स्वभाव दोस्तों, ये सही हो जाएगा, यही हमारा क्या है विशेषण। और हमने बताया भी था जब हम गुणवाचक विशेषण पढ़ा था दोस्तों, तो हमने बताया था शांत भी याद रखना, ये पेपर में पूछा गया था दोस्तों। तो शांत कैसा विशेषण अगर पूछ लेता तो गुणवाचक विशेषण कैसा है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, रेखांकित सब पद है दोस्तों। देखिए ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, 18 जून के दोस्तों, ठीक है।
अब धार्मिक क्या दोस्तों, धार्मिक व्यक्ति, अब देखिए किसी के पीछे कोई सेंटेंस लग गया दोस्तों, धार्मिक क्या है, अब जाहिर सी बात है क्या है, विशेषण हो गया दोस्तों। ठीक, धर्म क्या है दोस्तों, धर्म आपका संज्ञा होता है दोस्तों, धार्मिक बन गया, धर्म से एक लगा के दोस्तों हमने देखा था धार्मिक क्या है, विशेषण बन गया दोस्तों, अभी हमने उसमें सारणी में देखा भी था दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते थे दोस्तों कि निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों, तो विशेषण क्या है दोस्तों, ठीक है, शीतलता, बल, नया और वृद्धि दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये यूपी पुलिस 19 जून 2018 के प्रथम पाली क्वेश्चन दोस्तों, शीतलता, शीतलता पानी, बिल्कुल नहीं, बलशाली, बलशाली व्यक्ति है ना, तो बलशाली होता है वो आपका विशेषण होता है दोस्तों, वृद्धि, वृद्धि तो होता नहीं दोस्तों, वृद्धि क्या है, ये आपका विशेषण है नहीं दोस्तों, नया है, नया स्कूटर दोस्तों, देखिए स्कूटर विशेषता क्या है, वो तो नई है दोस्तों, ये आपका विशेषण है दोस्तों, और ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ठीक, कैसा है, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, ये भी आपको याद रखते हो चलना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों, हमने बताया था क्या, ऐतिहासिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ऐतिहासिक इमारत, इमारत की विशेषता क्या है कि ऐतिहासिक, कोई सेंटेंस पीछे लगाइए, उपासना व्यक्ति नहीं होगा, ठीक, आश्वासन व्यक्ति नहीं होगा, उपेक्षा व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों, तो ये आपका ऐतिहासिक क्या है, यही आपका विशेषण दोस्तों, और ये आपके 19 जून 2018 के थर्ड सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, पुलिस के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण नहीं दोस्तों, कौन सा विशेषण नहीं दोस्तों, ये आपको बताना, देखिए 25 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, पथरीला, पथरीला रास्ता दोस्तों है ना, नमकीन, ठीक, नमकीन पानी दोस्तों, ठीक, ये भी है, बर्फीला, बर्फीली रास्ता, बर्फीला मौसम, ठीक दोस्तों, ये भी है विशेषण, ये तीनों विशेषण, मगर नमक पानी, नमक क्या दोस्तों, नमक आपका क्या है, संज्ञा है दोस्तों, ये आपका विशेषण है, नमक का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन दोस्तों, मगर नमक क्या है, ये आपका विशेषण नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, समझदार शब्द में कौन सा विशेषण दोस्तों, समझदार क्या है, गुणवाचक है दोस्तों, उसके अंदर गुण है, देखिए चार ही चीज होती है दोस्तों, चार ही विशेषण होते हैं, सर्वनाम है नहीं तो सर्वनाम ही काट देंगे, संख्या कोई इसमें दिख रही नहीं दिख रही, परिमाण कोई समझदार तोला मापा जा सकता नहीं तोला मापा जा सकता, क्या हो जाएगा, होगा दोस्तों, और ज्यादा गुड़ी के क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, 25 अक्टूबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर, विशेषण किस शब्द की विशेषता बदलाते दोस्तों, संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की दोस्तों, देखिए ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 25 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण किसकी विशेषता बताता दोस्तों, हमने देखा था विशेष, और विशेष में क्या क्या आता दोस्तों, संज्ञा या फिर सर्वनाम दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम दोनों आते दोस्तों, तो यहां पर सर्वनाम दिया नहीं तो संज्ञा, संज्ञा को ही हम टिक करते, अगर देखिए ऑप्शन होता संज्ञा, ए संज्ञा होता, बी सर्वनाम होता, सी ए व बी दोनों, तो हम ए व बी दोनों कर देते हैं, मगर दोस्तों यहां पे ना संज्ञा सर्वनाम है नहीं तो संज्ञा को ही क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 25 अक्टूबर 2018 क्वेश्चन, तो हमने विशेषण के चार भेद पढ़े दोस्तों, कौन कौन से हैं, देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी विशेषण, चार प्रकार के विशेषण हमने देखे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैताल पच्चीसी किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण दोस्तों, देखिए अब आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्तों, देखिए यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट के 13 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, बैताल पच्चीसी इसमें किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, अपूर्ण संख्यावाचक या पूर्ण संख्यावाचक या क्रम बोधक या समुदाय बोधक, यहाँ पे 25 लोगों को समुदाय बताएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है समुदायवाचक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते दोस्तों, क्या होते हैं, मीठे होते दोस्तों, तो इलाहाबादी अमरूद में मीठे होते दोस्तों, इसमें किस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट 21 दिसंबर के क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका दशा, स्वाद, गंध या स्थान, देखिए यहाँ इलाहाबादी दोस्तों, ये क्या है, स्थान है दोस्तों, क्या है, स्थान है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्थान वाचक, जैसे हमने देखा नहीं कि रूसी है ना और मद्रासी, बिहारी, यह सब हमने पढ़ाया था, यहाँ पे इलाहाबादी का दोस्तों, ये आपका स्थान वाचक है, किसका है, किसके अंतर्गत आता है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए दोस्तों, विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए दोस्तों, जिसमें क्या है, विशेषण है, रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो दोस्तों, इसमें क्या है, विशेषण संबंधी वाक्य चुनना दोस्तों, और ये यूपीएसआई 16 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है सही,
दोस्तों इसमें आपका देखिए ये आपका थर्ड नंबर क्या है कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है दोस्तों। तो चित्र की विशेषता क्या हो जाएगी दोस्तों, अच्छा। तो इसी में क्या है दोस्तों, विशेषण संबंधी वाक्य है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है दोस्तों, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था दोस्तों। हमने अभी सारणी बनाया था दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों, 15 दिसंबर का दोस्तों। प्रथमावस्था है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, या फिर क्या है, उत्तमावस्था दोस्तों। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों, ये क्या है आपके उत्तमावस्था दोस्तों। हमने बताया था तम लग जाएगा तो क्या होगा, उत्तमावस्था में होगा दोस्तों। उत्तरावस्था में क्या होता है, तर लगता दोस्तों, ठीक है। देखिए न्यूनतर होता दोस्तों क्या होता, उत्तमा उत्तरावस्था होता। आप देखिए तम लग गया यानी सबसे तुलना की जा रही, सबसे अधिक वाली तुलना की जा रही दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता बताइए क्या होगा, उत्तमावस्था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा दोस्तों। यूपीएसआई 2017 के 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों कि पवित्रता का विशेषण क्या होगा दोस्तों। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पवित्र से बना दोस्तों, पवित्र से क्या बन गया, पवित्रता दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता दोस्तों। तो उन्नति शब्द क्या दर्शाता दोस्तों, ये आपको बताना है। तो उन्नति की जाती दोस्तों, उन्नति होते दोस्तों, तो उन्नति क्या है, विशेषण है दोस्तों, क्या है, विशेषण है दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में से उन्नति क्या है दोस्तों, विशेषण। जैसे राम उन्नति कर रहा है तो करने की विशेषता क्या है दोस्तों, उन्नति दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको देखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आपके यूपीएसआई में पूछे गए होंगे दोस्तों। अगला है, मौसम आज कुछ सुहाना सा है दोस्तों। तो इसमें सुहाना क्या है दोस्तों, ये सुहाना क्या, देखिए मौसम विशेषता क्या है, सुहाना है दोस्तों। तो सुहाना क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया दोस्तों। ये यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, 13 दिसंबर का दोस्तों, ठीक है। सुहाना क्या हो गया, ये आपका विशेषण होगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन, कुछ बच्चे इधर आओ दोस्तों। देखिए यहाँ पर बच्चों की विशेषता क्या है, कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर क्या है कि संख्यावाचक तो है दोस्तों, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, इसके विशेषता बताना है, कुछ बच्चे, बच्चों को हम गिन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तौला मापा नहीं जाएगा, इसलिए कुछ क्या आएगा, इसमें संख्यावाचक में आएगा दोस्तों। यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट के 13 दिसंबर क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। अब देखिए संख्यावाचक के भी अंतर्गत आता कि कौन सा निश्चित है या अनिश्चित है, दोस्तों यह क्या होता है, निश्चित नहीं अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होता, क्योंकि कुछ बच्चे हम इनको गिन नहीं सकते दोस्तों। तो होगा संख्यावाचक दोस्तों, इसमें संख्यावाचक पूछा, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में फूल पीले फूल खिलते दोस्तों। तो बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते, तो इसमें विशेषण क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता क्या कि फूल है दोस्तों, फूल की विशेषता क्या है दोस्तों, जो फूल की विशेषता बताएगा वही विशेषण होगा। तो विशेषण क्या है, पीले क्या है दोस्तों, यही रंग बोधक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण होगा दोस्तों हमारा, पीले का है यही विशेषण दोस्तों आपका। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 का दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार दोस्तों। तो देखिए दानी, अच्छा, न्यायी, कृपालु, ये हमने ऊपर करवा भी दिया दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके क्या है, गुणबोधक दोस्तों, क्या है, गुणबोधक के उदाहरण है दोस्तों, गुणवाचक के गुणबोधक के ही उदाहरण हो जाएं दोस्तों, क्योंकि दानी होगा, अच्छा होगा, न्यायी होगा, ये सब क्या है, उसके अंदर के गुण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना होगा कि मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया दोस्तों। मटमैला क्या है दोस्तों, ठीक है, ये आपके किसी चीज की क्या रहा, विशेषता बतला रहा दोस्तों, क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा दोस्तों। तो इसमें बताना है कि मटमैला शब्द क्या है दोस्तों, ये क्या है, विशेषण हो जाएगा दोस्तों। मटमैला क्या है, रंग की विशेषता क्या है कि मटमैला दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा। ये भी आपके यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट 12 दिसंबर का क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर, मद्रासी, चीनी, बिहारी आदि में कौन सा विशेषण दोस्तों। तो वैसे क्या है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, मगर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन सा भेद है, आकार बोधक, अवस्था बोधक, स्थान बोधक, या दिशा। तो किसी ना किसी स्थान के बारे में बात कर, चीन में हो तो चीनी हो गए, मद्रास में हो मद्रासी हो गए, बिहार में बिहारी हो दोस्तों। तो ये किस प्रकार का है आपके, स्थान बोधक विशेषण का उदाहरण दोस्तों, और ये यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट 14 दिसंबर का क्वेश्चन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, मोह शब्द में विशेषण कौन सा है दोस्तों। तो मोह क्या है दोस्तों, आपका क्या है, गुड़ है दोस्तों, ठीक। ये भी आपके यूपीएसआई 20 दिसंबर के क्वेश्चन का पेपर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 22 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं दोस्तों, गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें आपको बताना है, ठीक, कि कौन से में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए पहला, ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, या बहुत लंबी रस्सी दोस्तों। देखिए ये किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐतिहासिक, पाश्चात्य, या फिर बहुत लंबी रस्सी दोस्तों, इसमें किस प्रकार में, किसमें जो है आपका गुणवाचक नहीं है दोस्तों, ठीक। तो किसमें नहीं है दोस्तों, बहुत लंबी रस्सी में आपका गुणवाचक नहीं है दोस्तों, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है दोस्तों, तो इसमें योग्य शब्द क्या होगा दोस्तों? योग्य क्या है दोस्तों? यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट यानी 15 दिसंबर का क्वेश्चन दोस्तों। योग्य क्या है दोस्तों? उसके अंदर की क्या है? गुण है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों? देखिए कितने प्रश्न करने हैं। अब देखिए यहाँ संख्यावाचक है दोस्तों। क्या है? संख्यावाचक है। यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट के 16 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। कितने प्रश्न पूछे गए? देखिए आपका संख्यावाचक तो है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? परिमाण संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। तो संख्यावाचक ही होगा, मगर दोस्तों अगर यहां पर आपका निश्चित या अनिश्चित होता दोस्तों तो अनिश्चित हो जाता, क्योंकि हम प्रश्न गिन नहीं सकते, क्योंकि कितने प्रश्न, यहां पर प्रश्न की संख्या नहीं बताई गई दोस्तों। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। कहता है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त होता है? ढेर सारे क्या है दोस्तों? इसमें कौन सा विशेषण है? आपके यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, 19 दिसंबर का दोस्तों। तो ढेर सारे में कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों कि निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक या फिर गुणवाचक या फिर निश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। ये देखिए है क्या? संख्या बारे में बात की जा रही है, संख्या दोस्तों, ठीक है, मगर कैसा? अनिश्चित है दोस्तों। ढेर सारे में कैसा है? अनिश्चित है दोस्तों। इसमें संख्या आप नहीं बता सकते कितने हैं। 10 खिलौने थे, 20 खिलौने थे, अब ढेर में कितने थे दोस्तों, वो अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। कह रहा है हमारा विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? हमने बताई थी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था दोस्तों। 3 अवस्थाएं हो जाती है दोस्तों। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट 19 दिसंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों, ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले बात भी कर चुके दोस्तों। कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में कोमल का होगा, कोमल हो जाएगा, फिर उत्तमावस्था में कोमलतर हो जाएगा, और फिर कोमलतम हो जाएगा उत्तमावस्था दोस्तों। इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। चलिए 27 क्वेश्चन है। एक लड़का स्कूल जा रहा है दोस्तों, एक लड़का, देखिए यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 15 दिसंबर का दोस्तों। एक लड़का दोस्तों क्या है? क्रम है, समुदाय है, आवृत्त है, या गणना है दोस्तों? एक को हम क्या गणना कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, हमने समझिएगा, 1 2 3 4 गणना बोधक होगा। आवृत्त में क्या होता है दोस्तों? दोनों, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। समुदाय में क्या होता है? दोनों, तीनों, चारों। क्रम में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो एक आया दोस्तों, क्या हो जाएगा? गणना बोधक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का कहता है आपके लिए मोहन तुमसे 4 गुना काम करता दोस्तों। यहाँ पे जबकि 4 गुना आ गया दोस्तों। 4 गुना क्या है दोस्तों? है तो संख्यावाचक, मगर संख्यावाचक के अंतर्गत कौन सा भेद होगा दोस्तों? ये आपके यूपीएसआई 15 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 4 गुना क्या है दोस्तों? यहाँ पे आवृत्ति होगा, गुना में बढ़ाते, गुना में क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति होता दोस्तों, आवृत्तिवाचक हो जाएगा विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार दोस्तों। तो देखिए चौथा क्या है दोस्तों? ये आपके किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों? ये देखिए है तो संख्यावाचक विशेषण ही दोस्तों। तो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई के 22 दिसंबर का दोस्तों। तो चौथा क्या दोस्तों? ये आपका क्या है? संख्यावाचक ही है दोस्तों, मगर संख्यावाचक के अंतर्गत अगर पूछता दोस्तों, देखिए हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर संख्यावाचक के अंतर्गत पूछता तो ये क्या होता है? क्रमवाचक। क्योंकि चौथा क्या है दोस्तों? 1 2 प्रथमा द्वितीया तृतीया चौथा ना दोस्तों, ये क्या है? एक क्रम बोधक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ₹25 दीजिए। 25 रुपए में कैसा दोस्तों? ये क्या है? संख्यावाचक है दोस्तों, बिल्कुल सही। क्रमवाचक है नहीं दोस्तों, समुदायवाचक है नहीं, निश्चित संख्यावाचक या आवर्ती बोधक। तो आवर्ती बोधक में क्या होता है दोस्तों? कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना। क्रम में क्या होता है? एक प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा दोस्तों। समुदाय में क्या होता है? दोनों, तीनों, चारों दोस्तों। मगर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि 25 रुपए क्या है? एक निश्चित राशि है दोस्तों। क्या है? निश्चित राशि। या फिर गणना बोधक में आ जाता है दोस्तों। गणना बोधक में कौन सा दोस्तों? पूर्णांक बोधक में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद रुपए के बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। जैसे चंद रुपए दोस्तों, चंद रुपए क्या दोस्तों? संख्यावाचक तो है दोस्तों, मगर संख्यावाचक में कैसा है? तो अनिश्चित संख्यावाचक है दोस्तों। परिमाण है नहीं दोस्तों, क्योंकि तोला में आप नहीं जाएगा रुपए को। जैसे क्या है? अनिश्चित है। चंद रुपए कितने रुपए थे? 1 थे 2 थे 3 थे, हमें पता नहीं दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था दोस्तों? तो यूपीएसआई के 22 दिसंबर के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं दोस्तों? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं दोस्तों, ये बताना। देखिए कौन सा नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाइए दोस्तों। 2 मीटर कपड़ा यानी 2 मीटर का निश्चित होगा दोस्तों? ये नहीं होगा दोस्तों। ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक है दोस्तों, ठीक है, निश्चित। ये निश्चित परिमाणवाचक दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी क्या है? निश्चित है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना दोस्तों, ये भी क्या है? निश्चित है। 1 किलो आम का निश्चित है, मगर सैकड़ों लोग मारे गए, ये अनिश्चित दोस्तों। सैकड़ों लोग कितने दोस्तों? सैकड़ों में 100 आएंगे, 200 आएंगे, 300, ये हमारे लिए निश्चित नहीं दोस्तों।
इसीलिए क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो यूपीएसआई के 12 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कई दर्शकगण। अब कई दर्शकगण कितने दोस्तों, देखिए ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, या अनिश्चित संख्यावाचक है, या अनिश्चित परिमाणवाचक है। दोस्तों ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। कई दर्शकगण कितने हैं ये हमें कंफर्म नहीं है, और ये भी क्वेश्चन आपके 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों लेकर के आए हैं 34 नंबर, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं दोस्तों। 50 गज जमीन यह है परिमाणवाचक, देखिए तौली मापी जाएगा ना कि जमीन, 2 किलो सेब ये भी मापा तौला जाएगा, 10 लीटर पानी ये भी मापा जाएगा, मगर अनगिनत तारे ये क्या है दोस्तों, ये संख्यावाचक है, और कैसा, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। ये भी आपके यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट के 21 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्या है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा दोस्तों। देखिए ये क्या है, मापा तौला जाएगा, 3 मीटर क्या, 3.5 मीटर क्या है दोस्तों, निश्चित है, मापा तौला जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपके क्या है, परिमाणवाचक दोस्तों। परिमाणवाचक में पूछते क्या होता, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं दोस्तों, अनिश्चित और निश्चित, तो इसमें निश्चित हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर, थोड़ा सा दूध गर्म कर दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर क्या है, दूध क्या दोस्तों, निश्चित है, इसको तौला मापा जाएगा, और थोड़ा सा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर संख्यावाचक नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, दूध क्या है, नापा है, तौला जाता है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमाणवाचक होगा, मगर थोड़ा सा क्या है दोस्तों, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है दोस्तों, तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। और ये यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट सेकंड 22 दिसंबर के क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर का कहता है, परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध होता है दोस्तों, परिमाणवाचक में किसका बोध होता है दोस्तों। ये आपके 20 दिसंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिया के होने का समय बताता है दोस्तों, नहीं ये गलत होगा दोस्तों, काल होता है दोस्तों। क्रिया के नाप तौल का बोध, बिल्कुल सही दोस्तों, जहां पर नाप तौल का बोध होता है वही क्या होता है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। और ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। केवल अनुमानता सर्वथा ये किस प्रकार के विशेषण के प्रकार है दोस्तों, केवल अनुमानता सर्वथा दोस्तों ये किस प्रकार के हैं, रीतिकाल, काल, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक दोस्तों। तो इसके बारे में बताना है ये किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, केवल अनुमानता सर्वथा। देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो ये किसके हैं दोस्तों, ये किसके हैं, परिमाणवाचक दोस्तों। किसके हैं, परिमाण, केवल आम दे दो, ठीक, केवल, हाँ अनुमानता दो चार दे दो, ये क्या है, परिमाणवाचक दोस्तों। और परिमाणवाचक में भी कैसे हैं दोस्तों, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक दोस्तों, चलिए अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। और यूपी पुलिस यूपीएसआई 21 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आटे में थोड़ा नमक डालो दोस्तों। देखिए नमक क्या है दोस्तों, नमक की विशेषता क्या है, थोड़ा दोस्तों। ठीक, और मगर ये तौलने में आपने एक बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, मगर थोड़ा, कितना थोड़ा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। और ये यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट का पेपर दोस्तों है, किसके थर्ड शिफ्ट का पेपर है, किस दिन का, 19 दिसंबर दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि नमक मापा जाएगा दोस्तों, और थोड़ा मतलब कितना थोड़ा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कहानी रोचक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इनमें कौन से विशेषण का भेद है दोस्तों, ये कहानी क्या है दोस्तों, रोचक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा भेद है दोस्तों। देखिए ये कहानी विशेषता क्या है कि ये है दोस्तों, तो ये कैसा है दोस्तों, सार्वनामिक दोस्तों, मौलिक सार्वनामिक दोस्तों। देखिए सार्वनामिक विशेषण के भी दो भाग हैं, कौन से, मौलिक और यौगिक दोस्तों, तो उसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों, मौलिक वाला दोस्तों। और ये यूपीएसआई 16 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये है मेरा कुत्ता दोस्तों, ये है मेरा कुत्ता, ये कैसा दोस्तों, ये भी आपका सार्वनामिक है दोस्तों, सार्वनामिक कौन सा, मौलिक। देखिए कुत्ते की विशेषता क्या है, ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये है मेरा कुत्ता दोस्तों, कुत्ते की विशेषता क्या है, ये है दोस्तों, ये क्या है, सार्वनामिक, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। और ये भी आपके यूपीएसआई के 22 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर का सेकंड शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई के थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, 21 दिसंबर दोस्तों। देखिए जो विशेषण की विशेषता बताते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, प्राविशेषण। उसके बारे में हमने पढ़ाया भी था दोस्तों। ठीक है, कि सीता अत्यंत सुंदर है दोस्तों, तो अत्यंत क्या होगा, वही क्या होता है हमारा, प्राविशेषण दोस्तों। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों, ये क्रिया की विशेषता बताता है दोस्तों। इसके बारे में हम कभी मैराथन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर का कहता है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र व सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों। इसमें वाक्य में प्रयुक्त तो सबसे शब्द क्या होगा, देखिए सबसे दो बार आया दोस्तों, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी दोस्तों, तो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी ये क्या है दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट 22 दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें सबसे शब्द क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें सबसे क्या है दोस्तों, प्राविशेषण है, क्योंकि चौड़ी तो है, चौड़ी में कैसी चौड़ी है, सबसे चौड़ी दोस्तों,
चौड़ी क्या है, विशेषण है दोस्तों, और विशेषण विशेषता क्या बताता है, प्रविशेषण दोस्तों। तुम्हारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है दोस्तों, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई के पेपर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर के 12वीं तारीख मतलब 12 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर दोस्तों। इसमें प्रविशेषण नहीं दोस्तों, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी दोस्तों, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी दोस्तों, भूख तो लगी दोस्तों, भूख की विशेषता क्या है कि देखिए भूख की विशेषता क्या है, थोड़ी ही दोस्तों, ये क्या है प्राविशेषण दोस्तों, इसमें थोड़ी क्या है प्राविशेषण हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं, बच्चे समझदार हो गए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे क्या है समझदार हो गए दोस्तों, बच्चे विशेषता क्या समझदार, यहाँ पे विशेषण है सो प्राविशेषण है, तो इसी में हमारा प्राविशेषण नहीं दोस्तों। अब देखिए तीसरे में देखते हैं, अरे बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों, सुंदर तो है मगर बहुत ही दोस्तों, तो बहुत क्या होगा प्राविशेषण। आजकल संतरा कुछ ज्यादा खट्टे आते हैं, देखिए खट्टे संतरे की विशेषता क्या, खट्टा और खट्टे में क्या है कुछ ज्यादा दोस्तों, ये क्या होगा प्राविशेषण दोस्तों। इसमें भी प्राविशेषण है, इसमें भी प्राविशेषण है और इसमें भी प्राविशेषण, मगर बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्राविशेषण नहीं दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई 12 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानिए दोस्तों। देखिए आसमान का रंग नीला, आसमान का होगा दोस्तों, ये विशेष हो गया दोस्तों, समझिए ये विशेष हो गया, और नीला क्या है दोस्तों, ये विशेषण हो गया दोस्तों, ठीक, नीला रंग क्या होगा, ये विशेषण हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या विशेष से पहचानना दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा आसमान का होगा विशेष हो जाएगा दोस्तों, और नीला क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला क्या, नीला रंग क्या दोस्तों, ये विशेषण दोस्तों, ठीक। तो ये आपको समझना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे 45 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी नंबर दोस्तों, ठीक, आसमान का हो जाएगा दोस्तों, हमारा विशेष हो गया, ठीक दोस्तों, या फिर हम ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। देखिए हमने 45 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, देखिए ये आपके 45 क्वेश्चन हमने यूपीएसआई और पुलिस से संबंधित किए हैं दोस्तों, और हम आगे भी मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों। देखिए इस समय हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो देखिए जेल वार्डन फायरमैन के आपके प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हो दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों, इस प्रकार से आप जाएंगे तो ये आपके जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ये आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर के आप इसके प्रैक्टिस सेट देख सकते हो दोस्तों। हर एक दिन हमने एक प्रैक्टिस सेट कराया दोस्तों, तो ये लगभग लगभग अभी 15 है दोस्तों, ये निरंतर बढ़ते रहे दोस्तों। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए हिंदी मैराथन वीडियो, तो आप ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसी पर आपको मैराथन क्लासे मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जाइए आप मैराथन क्लासे देखिए, जैसे कि आज आपने विशेषण देखा दोस्तों, इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का आपको मैराथन यहाँ उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा के इसमें प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा रेलवे NTPC के दोस्तों यहाँ पर, और UPPCS के दोस्तों यहां पर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप जाइए जरूर देखिएगा दोस्तों, और देखिए आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आप शुल्क देना होगा दोस्तों, उसी के बाद आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, या फिर आप अपने आप डायरेक्ट लिखते रहिए दोस्तों, उससे आपका रिविजन ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, ठीक। अगर फिर भी आप पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कुछ न्यूनतम शुल्क देकर आप ये पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, ठीक। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के हम मैराथन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और अब बताइएगा नेक्स्ट मैराथन किस टॉपिक पर चाहिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।